और आप सभी का आज के इस परिचर्चा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसा कि आप लोग विषय को देख ही रहे हैं, ये विषय अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल भी है और लेकिन अनिवार्य भी है। कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण शब्द के ऊपर या ब्राह्मणत्व के नाम पर बहुत सारे आक्षेप लगते हैं, बहुत सारे नहीं, गिने चुने 4-5 आक्षेप हैं, जैसे स्त्री विरोधी होना, जातिवादी या दलित विरोधी होना, पाखंडी होना और दूसरों का भोजन करने वाला होना, इस तरह के 4-5 जो आक्षेप कम्युनिस्टों के द्वारा या बाकी लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं और उससे वो अपना जीवन शैली या अपना जो काम काज है वो चलाते हैं, अपने राजनीतिक सत्ता में वो बने रहते हैं। तो मात्र 5-6, ये 4-5 जो आक्षेप हैं, इन आक्षेपों से हम सभी परिचित हैं और इससे अधिक किसी के पास कोई आक्षेप लगाने वाली बात हो तो उसका हम स्वागत जरूर करेंगे जब प्रश्नोत्तर सत्र होगा। लेकिन उससे पूर्व हम ये जानने का प्रयास तो कर लें कि ये ब्राह्मण या ब्राह्मणत्व होता क्या है। क्या ब्राह्मण केवल इतना ही था कि वो दूसरों पर अत्याचार करता रहे, वो पाखंड करता रहे और उसकी कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं है सिवाय वो दबाने के अतिरिक्त? और ये कैसे संभव हुआ कि एक ब्राह्मण जो इस तरह का अगर वो शोषण करता ही रहा था तो सारे भारतवर्ष में हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत वो किस तरह से व्यापक हुआ? और कोई व्यापक रहा हो ना हो, लेकिन एक ब्राह्मण या ब्राह्मणत्व जो है वो बड़ा व्यापक तत्व विद्यमान रहा है, तो ये विचारणीय बात हो जाती है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इतिहास में ब्राह्मण को जो स्थान मिलना चाहिए था भारतीय इतिहास में बिल्कुल नहीं मिला है, उसको चुनौती दी जानी चाहिए। और इतिहास में जिस तरह से विकृतियों को लाया गया है, ब्राह्मणत्व और ब्राह्मणों के प्रति द्वेष भाव को जबरदस्ती उभारा गया है, जैसा कि नीरज जी इस विषय में बात भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एनसीईआरटी की बुक्स में किस तरह से ब्राह्मणों के प्रति द्वेष भाव करना सिखाया गया है, वो तो देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ब्राह्मणत्व को और ब्राह्मण इन दोनों शब्दों को हम थोड़ा सा एक भूमिका के रूप में मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। और इसके साथ ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे लिए ब्राह्मणवाद शब्द या ब्राह्मणिज्म शब्द कोई अर्थ नहीं रखता, ना वो शब्द बनता है और ना उसका कोई अस्तित्व है। जिसने अपनी दुकानदारी चलानी है वो ब्राह्मणिज्म शब्द का जरूर प्रयोग करता रहे, या तो वो ब्राह्मण है या वो ब्राह्मणिकल हो सकता है, लेकिन ब्राह्मणिज्म नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि वो कभी किसी के विरोध में खड़ा ही नहीं है, क्योंकि सारे इस्म जो है वो किसी ना किसी विरोध में खड़े होंगे, ब्राह्मणिज्म किसके विरोध में बनेगा? तो इज्म शब्द जो है वो एक बहुत ही जड़ बुद्धि वाले लोगों का काम है, तो इसलिए कृपया ब्राह्मणिज्म शब्द नहीं, ब्राह्मणिकल आप शब्द प्रयोग करें, ब्राह्मण शब्द प्रयोग करें, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन 2-3 बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और वो भी बहुत संक्षेप में। मेरे लिए जो स्लाइड पे आप देखिए कि पहली जो पंक्ति मैंने लिखी है और जिससे मैं हमेशा प्रभावित रहा हूं कि ब्राह्मण होने का अर्थ क्या है, कि चेतना की धरती पर बुद्धि के हल से ज्ञान की कृषि करना ब्राह्मणत्व का प्रथम लक्षण है। यदि आप ज्ञान से सीधे नहीं जुड़े हुए और 24x7 यदि आप ज्ञान से संबंधित नहीं है और अपनी चेतना का संस्कार करने वाले नहीं है तो ब्राह्मणत्व आप में नहीं हो सकता, उपलब्ध नहीं हो सकता। फिर ब्राह्मणत्व के नाम पे आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन वो ब्राह्मण नहीं। अब इस ब्राह्मण के 3 पक्ष हमें देखने हैं, उसका दर्शन क्या है, ब्राह्मण का दर्शन क्या है, दृष्टि क्या है, समाज को संसार को देखने की दृष्टि क्या है, फिर उसके साथ जुड़े हुए जो मिथक हैं वो क्या है, और फिर हमें इतिहास को भी उसका देखना है। और जिसके विषय में दोनों हमारे आज के जो वक्ता है वो इस इतिहास के ऊपर फोकस करेंगे। और जब आप इन सारे ब्राह्मण की परंपरा के ऊपर ध्यान देते हैं तो आप नचिकेता सत्यकाम श्वेतकेतु से आरंभ हो जाते हैं कि ब्राह्मण जलती हुई चेतना है, जलती हुई आग है। नचिकेता में वो आपको
विचिकित्सा के रूप में दिखाई देती है, संशय और संदेह के रूप में दिखाई देती है, सत्य काम के रूप में वो ब्राह्मण की चेतना आपको सत्य बोलने में दिखाई देती है, श्वेत केतु के रूप में वो आपको जिज्ञासा के रूप में दिखाई देती है, और फिर वो आगे चल करके जब हम संसार सिद्धार्थ और बाण भट्ट की आत्मकथा जैसे उपन्यास पढ़ने लगते हैं तो आप देखेंगे कि इन उपन्यासों के जो मुख्य पात्र ब्राह्मण हैं वही खोज में चले हुए हैं, बाकी सब अपना आनंद दे रहे हैं या जिस तरह का जीवन उनको स्वीकार्य है उसमें ही वो संतुष्ट हैं। लेकिन अगर कोई असंतुष्ट है अपने ज्ञान से तो वो कौन है? ब्राह्मण ही है। तो निश्चित रूप से मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि ये तीन नॉवल तो जरूर आप पढ़िए, दो तो इसमें अंग्रेजी के हैं, संस्कार सिद्धार्थ, ये दोनों अंग्रेजी के हैं, और बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये हिंदी का उपन्यास है द्विती जी का। इतिहास की ओर जब आप चले जाते हैं तो देखिए पेशवा मंगल पांडे और अन्य इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका कोई जिक्र भी इतिहास की किताबों में हमें नहीं पढ़ाया जाता, कोर्स में लगने का तो मतलब ही नहीं है। और इतिहास जो है वो दो तरह का मुझे तो लगता है बन के रह गया, या तो वो रीजनल इतिहास बन के रह गया है कि जिस प्रदेश का इतिहास है वहीं पे उसको पढ़ा दिया जाता है, या फिर वो कम्युनिस्ट दृष्टि से इतिहास को पढ़ा दिया जाता है जिससे हम आप सभी परिचित हैं। मैं आप लोगों के साथ जो एक दो बातें और करना चाहूंगा, इस फाइल में थोड़ी सी दिक्कत ये रहेगी क्योंकि ये पीडीएफ में कन्वर्ट की है, क्योंकि दूसरा पीपीटी जो है वो ठीक नहीं बैठी है। इस वेबिनार से पूर्व हम तीन सेमिनार इस पे कर चुके हुए हैं, जिसमें पहला जो हमारा सेमिनार था वो क्रिटिक ऑफ ब्राह्मण ब्राह्मणहुड एंड ब्राह्मणिज्म के ऊपर था। तब वो शब्द मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन उसके बाद स्पष्टता हुई जो हमने 2015 में किया। दूसरा हमें जो किया डिफाइनिंग ब्राह्मण्स एंड ब्राह्मणिकल एलिमेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट टू था विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये हमने 2016 में किया। फिर उसके बाद तीसरा जो हमने सेमिनार किया वो ब्राह्मणिकल आइडेंटिटी एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू मिडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये पार्ट थ्री था और ये सन 2018 में हुआ। और उसके बाद आज ये चौथा भाग है जिसको हम करने जा रहे हैं। इस ब्राह्मण या ब्राह्मणत्व को देखने की तीन चार दृष्टियां हैं, केवल नाम ले रहा हूं, उनकी व्याख्या में नहीं जा रहा, वो मैं बाद में करूंगा क्योंकि समय मुझे बचाना है थोड़ा सा। कि ब्राह्मणत्व के तीन स्तर होते हैं, एक होता है पार्थिव ब्राह्मणत्व, दूसरा है शाश्वत ब्राह्मणत्व और तीसरा है चिन्मय ब्राह्मणत्व। मैं व्याख्याओं में नहीं जा रहा, लेकिन इनकी बात मैं आप लोगों के साथ दोनों वक्ताओं के बाद होगी उस वक्त करूंगा। दूसरा पक्ष है ब्राह्मण को देखने का कि कर्ता के रूप में ब्राह्मण क्या है, भोक्ता के रूप में ब्राह्मण क्या है और ज्ञाता के रूप में ब्राह्मण ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया। और इसमें सावधानी जो हमें मनुस्मृति से देखने को मिलती है कि दो तरह के ब्राह्मणों के बारे में वो सावधान करते हैं कि एक बकव्रतिक ब्राह्मण और एक काकव्रतिक ब्राह्मण, कि वो ब्राह्मणाभास हैं। कि बकव्रतिक कौन से हैं? जो केवल अपने लिए अपने हित की जो बात सोचने वाला ब्राह्मण है वो ब्राह्मणाभास है और उसे मनु जो है बकव्रतिक कहते हैं। और काकव्रतिक ब्राह्मण वो हैं जो इधर उधर जो है अपने लाभ के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, दूसरों की स्तुतियों में पड़े रहते हैं, वो ब्राह्मण काकव्रतिक ब्राह्मण उन्होंने कहे हैं। थोड़ा सा मैं दो तीन मिनट और आप लोगों के लेना चाहूंगा, एक पूरा आइडिया ब्राह्मण के बारे में और ब्राह्मणत्व के बारे में आपको मैं देना चाहूंगा और फिर उसके बाद हम कमेंट्स लेंगे और चर्चा करेंगे। कि सामान्य रूप से जब आप स्लाइड पे नीचे ध्यान दीजिएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर, तो ब्राह्मण जो आप बात करते हैं तो वेद और यज्ञ के बिना ब्राह्मण ब्राह्मण जो है उसका हम कल्पना नहीं कर पाते। लेकिन वेद का अर्थ जहां तक मैं देख पा रहा हूं वो है राइट टू नो, जानने की इच्छा जिसमें है, और दूसरी तरफ यज्ञ का मतलब है राइट टू अर्न एंड ड्यूटी टू डिस्ट्रीब्यूट। आप उसके धार्मिक अर्थ जो मर्जी करते रहे, लेकिन सोशल साइंसेस की दृष्टि से मुझे तो यही दो अर्थ लगे कि आप जो कुछ लेकर के आएंगे अर्जित करेंगे उसका वितरण करना, ये प्रथम आपका दायित्व है। फिर इसी ब्राह्मण को के दो पक्ष और हैं, एक और है धर्म जिज्ञासा और दूसरी तरफ है ब्रह्म जिज्ञासा। नॉलेज इंक्वायरी और एक्शन इंक्वायरी आपको करनी पड़ती है।
फिर ब्राह्मण से संबंधित दो प्रश्न और बड़े महत्वपूर्ण आते हैं कि वर्ण और जाति, ये कि एक्सेप्ट उसको कलर के रूप में करें या उसको जनरलिटी या कॉमनैलिटी के बारे में, क्योंकि जाति शब्द का अर्थ तो है सामान्य प्रसवात्मिका, जाति कहा जाता है कि जो सामान्य रूप से उत्पन्न हुए लोग हैं वो जाति है, जैसे गोत्र तो जाति है, पशुत्व तो जाति है, मनुष्य तो जाति है, लेकिन ब्राह्मण जाति कैसे हुआ ये मुझे नहीं समझ में आता, और पर्टिकुलरली वो कास्ट में कैसे चली गई, उसका कास्ट आपने कैसे अर्थ कर दिया किसी सोशल साइंटिस्ट ने, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। दूसरी तरफ आप वर्ण के रूप में जब देखते हैं तो वर्ण के रूप में तो बहुत स्वतंत्रता है, वेदों में भी आपको स्वतंत्रता मिलती है कि आप वर्ण करें कि क्या वर्ण करना चाहते हैं, कर्म का वर्ण, किस प्रकार के कर्म का वर्ण करना है या ज्ञान का वर्ण करना चाहते हैं, वो आप पे निर्भर है, कहीं वहां बंधन देखने को नहीं मिलता। उसके आगे की कुछ एक बातें और हम देख लेते हैं कि एक और तो ये मनु के अनुसार ब्राह्मण का स्तरीकरण है, मनु ने क्या बताया है ब्राह्मण के बारे में, छह उसने उसके पैराडाइम्स बता दिए हैं कि अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, ये बता दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार बात जो है वो बुद्ध ने ब्राह्मणों का स्तरीकरण किया है कि ब्राह्मण कौन हो सकता है, उन्होंने 63 क्वालिटीज बताई हैं। हालांकि ये प्रश्न मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बाद में कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत लंबा है इसलिए मैं बीच में नहीं जा रहा उस तरफ, लेकिन 63 क्वालिटीज जो हैं, पैराडाइम्स जो हैं, वो ब्राह्मण के होते हैं। यदि आप 63 क्वालिफायर्स आप में हैं तो आप अपने को ब्राह्मण कहें, जरूर कहें, बुद्ध के अनुसार आप ब्राह्मण हैं, लेकिन अगर उनमें से एक भी क्वालिटी नहीं है तो आप इस बात का भ्रम मत पालिए कि आप ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों के दो रूप हमें और दिखाई देते हैं, सर हाँ धन्यवाद ये बंद करने के लिए। अध्याप यही होता है कि जब विचार के बीच में इस तरह की बाधा पड़ती है तो शब्द जो है वो कई बार गड़बड़ा जाते हैं। तो दो तरह के ब्राह्मणों की मैं बात कर रहा था, एक है उग्र ब्राह्मण, आपको परंपरा में मिलेंगे शस्त्रधारी ब्राह्मण, जिसमें से परशुराम को आप लोग जानते ही हैं, लेकिन उस तरह के हमें और भी कई ब्राह्मणों का जिक्र हमें मिलता है। दूसरी तरफ हमें शांत ब्राह्मणों की परंपरा मिलती है जो शास्त्रज्ञ हैं, जैसे वशिष्ठ आदि, तो बहुत लंबी परंपरा आपको दिखाई देगी ये। उसके बाद मुगल कालीन जो ब्राह्मण हैं उसमें अगर आप देखें उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, तो सती भाई सतीदास, मतीदास, पेशवा, ये मतीदास सतीदास जिन्होंने सिखिज्म में जाकर के अपने बलिदान दिए हैं, ये मूलतः ब्राह्मण है, लेकिन इनको कभी ब्राह्मणत्व के तौर पे कभी स्वीकार नहीं किया गया। और पेशवाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम जानते हैं। दूसरी तरफ मुगल कालीन जो हमें ब्राह्मण मिलते हैं, रामानंद, तुलसीदास, सूरदास आदि। फिर आप ब्रिटिश कालीन ब्राह्मणों पे चले जाएं तो एक और आपको मंगल पांडे, सावरकर, राजगुरु, तिलक आदि मिलते हैं, तो दूसरी तरफ आपको राम मोहन राय, दयानंद, रामकृष्ण आदि मिलते हैं। स्वतंत्रता पश्चात फिर आपको जो ब्राह्मण मिलते हैं उसमें राष्ट्रवादी ब्राह्मण, और दूसरी तरफ हमें ये कहने में शर्म नहीं करनी चाहिए कि कम्युनिस्ट, सेकुलरिस्ट आदि भी ब्राह्मण ही मिलते हैं। टॉप मोस्ट जो कम्युनिस्ट आपको मिलेंगे वो भी ब्राह्मण ही मिलने वाले हैं। तो इसलिए प्रश्न भी ये आ जाता है आज के युग में, आज के समय में, कि द्विज किसे कहेंगे, विप्र किसे कहेंगे। तो इन प्रश्नों के साथ मैं आपको छोड़ने से पूर्व मैं आज के वक्ताओं के साथ आपका परिचय कराना चाहूंगा कि हमारे आज के जो दो मुख्य वक्ता हैं, प्रथम वक्ता जो हमारे साथ रहेंगे लगभग आधा घंटा वो आपसे बात करेंगे और आधा घंटा लगभग दूसरे वक्ता बात करेंगे। प्रथम वक्ता हमारे श्री नीरज अत्री जी हैं जो डायरेक्टर हैं काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज पंचकुला में। मूलतः वो फिजिक्स के अध्यापक हैं, फिजिक्स को पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन पिछले 18 वर्षों से इतिहास के ऊपर उन्होंने ऐसी पकड़ बनाई है कि एनसीईआरटी की जितनी किताबें हैं उसके उन्होंने एक तरह से बखिया उधेड़ के रख दी है। आरटीआई पे उन्होंने कितनी उनके साथ बात की है और उनकी पुस्तक भी इस विषय पे निकली है कि ब्रेन वॉश रिपब्लिक पे वो वाकई पढ़ने के योग्य है, और उसके अतिरिक्त आप उनकी बहुत सारी वीडियोस जिसमें वो इतिहासकारों को चुनौती दे रहे हैं और ये सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे
इतिहासकारों ने हमें बिट्रे किया है, हिंदुओं को बिट्रे किया है, भारत की परंपरा को बिट्रे किया है, और ब्राह्मणों को तो बिट्रे किया ही किया है। तो उनका वक्तव्य हमें देखने और सुनने को मिलेगा। और दूसरे हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं श्री मुकेश शर्मा जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं हिंदू महासभा न्यू दिल्ली से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका वक्तव्य भी हमें देखने और सुनने को मिलेगा। और ब्राह्मणों के इतिहास को लेकर के जितनी सशक्त जानकारी इनके पास उपलब्ध है, वो मुझे लगता है कि वो हम सभी के लिए बड़ी दिशा निर्देशक रहेगी और आंखें खोलने वाली रहेगी। और मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले जब बात कर रहा था मुकेश जी से, तो मेरी जानकारी में ये बात बिल्कुल नहीं थी कि अंग्रेजों के टाइम में ब्राह्मणों की रेजिमेंट भी रही है, आर्मी में उनका पूरा रोल रहा है, और रेजिमेंट 1, 2, 3 तीन रेजिमेंट्स मेरा ख्याल है वो रही है, और डॉक्टर साहब उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के मुख्य वक्ता को मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के मुख्य वक्ता को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपना वक्तव्य जो है वो हमारे साथ शेयर करें, साझा करें। लगभग आधा आधा घंटा दोनों वक्तव्यों के लिए है हमने रखा हुआ, और फिर उसके बाद ओपन हाउस डिस्कशन रखेंगे ताकि किसी के कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणियां है, कोई आक्षेप है, उन सबको हम उनका स्वागत करेंगे। तो प्रथम वक्ता नीरज अत्री जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ रखें, और स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन शेयर कर लीजिए जी। सभी को नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, सभी को मेरा नमस्ते है मेरी ओर से, और आशुतोष जी को एक बार फिर से धन्यवाद है कि वो मुझे अपनी बात रखने का ऐसा अवसर प्रदान करते हैं, और आप सब लोग सब विद्वान हैं और फिर भी आप मेरी बात सुनने के लिए यहाँ मिलते भी हैं। और हम इस पर चर्चा भी करते हैं। जो अभी डॉक्टर साहब ब्राह्मणत्व की बात कर रहे थे या ब्राह्मणिकल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, मेरा आज क्योंकि समय सीमा है तो मेरा स्कोप भी लिमिटेड रहेगा आज की प्रेजेंटेशन में। मैं सिर्फ क्योंकि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, जो ऐतिहासिक उसका बात करने वाला हूँ, और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जनरली वो अंग्रेजों की बनाई हुई या जो हमारे स्कूल लेवल पे चलती है, कॉलेज लेवल पे, उस तरह की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इतिहास की बात मैं नहीं कर रहा इसमें। जैसा अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ब्राह्मणों के बारे में एक इमेज, एक परसेप्शन क्रिएट की गई है कि ब्राह्मण किस तरह के रहे हैं, तो वो शोषण करने वाले थे, विदेशी हैं जिन्होंने आके यहाँ पर कब्जा कर लिया, यहाँ पर उन्होंने फिर लोगों को प्रताड़ित किया और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें वो सबसे शिखर पर आके बैठे हैं और बाकियों का शोषण करने के लिए बाकियों को निचले स्तर पर धकेल दिया है। ऐसे ही एक जो आर्य द्रविड़ियन डिवाइड बनाई जाती है कि ब्राह्मण उत्तर से आए और उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें नीचे को धकेल के उनको दक्षिण की ओर भेज दिया है। तो इस तरह का एक इमेज, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है ब्राह्मणों के लिए। अब डॉक्टर साहब एक बीच में एक बार उन्होंने बीच में क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों किया गया समझ में नहीं आता, तो उसका दो लाइन में आंसर ये है कि क्योंकि आजकल एक बैटल चल रही है, आइडियोलॉजिकल बैटल, जिसे हम वैचारिक युद्ध की बात करते हैं, तो जो उसमें प्रतिद्वंद्वी हैं वो सच्चाई के प्रति कोई उनकी सजगता नहीं है, सच्चाई के प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं है, उन्होंने केवल जीतना है, तो जीतने के लिए झूठ का सहारा भी लिया जाता है उसमें, तो इसलिए इस तरह की एक इमेज बनाई जाती है। अब मैं आज प्रेजेंटेशन में आपके साथ ब्राह्मणों के बारे में जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स क्या बोलते हैं उसके आधार पे बात करूंगा, तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, ये मैं बार बार वीडियो पे आऊंगा फिर स्क्रीन शेयर करूंगा, तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा उसमें।
आ रही है क्या स्क्रीन, शेयर हो पा रही है? जी सर, स्लाइड दिखाई दे रही है सभी को? जी जी बिल्कुल दिखाई दे रही है ठीक है। सर। ये जो पहला मैं इंस्टांस ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई, मैंने कोशिश ये की है कि हमारे देश का कोई सोर्स ना हो, क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ भरमार है जिससे हम ब्राह्मणों के बारे में सब बता सकते हैं, लेकिन मेरी ट्राई ये है कि विदेशियों ने जो बातें की हैं ना, उनके आधार पे यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ। तो पहला जो मैं साक्ष्य ले रहा हूँ वो आज से लगभग, ऐसा माना जाता है 2300 वर्ष पहले, हालांकि ये भी डिबेटेबल है, लेकिन अभी हम जो एक्सेप्टेड नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 2300 साल पहले मेगस्थनीज नाम का एक ग्रीक एम्बेसडर हमारे देश में आया था, जो उन दिनों मगध में रहा, 12 वर्ष तक यहाँ पे रहता है, और 12 वर्ष यहाँ रहकर उसने जो देखा जो समझा उसके बारे में उसने किताब लिखी थी, जिसे इंडिका कहा जाता है। और फिर उसके 200 साल बाद एक और इतिहासकार था एरियन नाम का। तो इन दोनों के हमें फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं कुछ, तो ये जो किताब है ये उन्हीं के ऊपर है, ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रैगमेंट्स ऑफ इंडिका ऑफ मेगस्थनीज। इसमें वो जब यहाँ पर व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें आप बीच में देखिए जहाँ रोमन न्यूमरल्स में 11 नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर 208 है उस किताब का। बट फर्दर इन इंडिया द होल पीपल आर डिवाइडेड इन टू अबाउट 7 कास्ट, अमंग देम आर द सोफिस्ट हु आर नॉट सो न्यूमरस एज द अदर्स बट होल्ड द सुप्रीम प्लेस ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर। तो जो सर्वोच्च, उसने बताया कि सबसे पहले वाली कास्ट है, उन्हें उसने सोफिस्ट शब्द यूज किया इसके लिए, जिसे आप अगर ट्रांसलेट करेंगे समझेंगे तो ब्राह्मण के बारे में ही बात कर रहा है। फिर वो आगे बोलता है, फॉर दे आर अंडर नो नेसेसिटी ऑफ डूइंग एनी बॉडीली लेबर एट ऑल और ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम प्रोड्यूस और दियर लेबर और एनीथिंग टू द कॉमन स्टॉक। उनका काम सिर्फ पढ़ना पढ़ाना है लोगों को यज्ञ के बारे में। इफ एनी वन अगेन हैज अ प्राइवेट सेक्रीफाइस, दो चीजें बता रहा है वो, कि उनके ऊपर कोई ड्यूटी एब्सोल्यूटली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्र के लिए करना है, परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस ऑफर्ड टू द गॉड्स ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, पहला। दूसरा बताता है, इफ एनी वन अगेन हैज अ प्राइवेट सेक्रीफाइस टू ऑफर, किसी ने प्राइवेट यज्ञ करना है, वन ऑफ दीज सोफिस्ट्स शो हिम द प्रॉपर मोड एज इफ ही कुड नॉट अदरवाइज मेक एन एक्सेप्टेबल ऑफरिंग टू द गॉड्स। ये वो बताता है उनके प्रोफेशन के बारे में, कि उन्हें, प्रोफेशन शायद गलत शब्द है, कि वो क्या करते हैं, कैसे जीवन जीते हैं उसके बारे में। फिर आगे उनके बारे में बताता है कि बिना कपड़ों के रहते हैं, गर्मी हो सर्दी हो तो ये पेड़ों में रहते हैं, कि बहुत ही सीधा साधा सा इनका जीवन है, और इनको कोई डिमांड नहीं होती कि हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा खाना है, कोई एक्सेस खाने पीने की ऐसी कोई डिमांड नहीं होती। फिर आगे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात वो बता रहा है, द कस्टम ऑफ द कंट्री प्रोहिबिट्स इंटर मैरिज बिटवीन द कास्ट्स। फॉर इंस्टांस द हस्बैंड्समैन कैन नॉट टेक अ वाइफ फ्रॉम आर्टिसन कास्ट। यहाँ देखिए कास्ट सिस्टम भी बिल्कुल अलग है जो वो बता रहा है। फिर कस्टम ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी वन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग टू ट्रेड्स और फ्रॉम चेंजिंग फ्रॉम वन कास्ट टू अनदर। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप जो व्यवसाय करते हैं आप उसी में रहते हैं, उसको आप चेंज नहीं करते, और के जो किसानी कर रहा है वो ही नहीं कि वो चरवाहा बन जाएगा, चरवाहा किसान नहीं बनेगा। लेकिन पेज नंबर 213 पर जो एक खास बात बता रहा है, इट इज परमिटेड दैट द सोफिस्ट ओनली बी फ्रॉम एनी कास्ट फॉर द लाइफ ऑफ द सोफिस्ट इज नॉट एन ईजी वन बट द हार्डेस्ट ऑफ ऑल। कि ब्राह्मण किसी भी कास्ट में से बन सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन वो बता रहा है कि उनका जीवन सबसे कठिन है, सबसे मुश्किल है, क्योंकि उनको तप करना पड़ता है जीवन भर के लिए। तो आज से 2300 साल पहले की ये किताब, जो सबसे बड़ा एक स्टीरियोटाइप बनाया जाता है ब्राह्मणों के बारे में, कि वो एक मौज मस्ती की जिंदगी जीते थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सबसे एलीट पोजीशन पे पोजीशन कर लिया था, वो इसी एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से ये सारा नैरेटिव टूट जाता है। उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये जो मेगस्थनीज वाले टाइम की बात है, ये है जब बौद्ध मत अभी बहुत ज्यादा नहीं फैला, लेकिन सफिशेंट, काफी मात्रा में फैला हुआ है। फिर मेगस्थनीज के जाने के बाद जब अशोक सम्राट बनते हैं, तो उन्होंने बुद्धिज्म को पेट्रनाइज किया, जैसे हम बोलते हैं कि
राजशक्ति मिली, तो उसके बाद जो बौद्ध मत है वो हमारे देश में ही नहीं, वो पूरे एशिया में फैल गया, जापान तक पहुंचा, मिडल ईस्ट में पहुंचा, सब जगह पर बौद्ध मत का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। और साथ ही साथ अहिंसा का भी प्रचार हुआ, जो कि उससे पहले के जो उपनिषद हैं वो भी अहिंसा की बात करते हैं और बाद वाले भी करते हैं। तो बौद्ध मत ने अहिंसा को प्रमोट करना एक तरह से एक उसका एक कंपोनेंट बना हुआ था। अब जो ब्राह्मणिकल एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं, उनकी जो अहिंसा है उसमें कैवियट्स हैं, उनमें कंडीशंस हैं कि वैद्य की जो हिंसा है वो हिंसा नहीं है, ये जो क्षत्रिय की हिंसा है वो हिंसा नहीं है क्योंकि वो उसका धर्म है। लेकिन बौद्ध मत में कहीं पर ये आ गया कि जब आप हिंसा करते हैं तो उसको एक ब्लैंकेट कवर दे दिया कि आप किसी को भी नहीं मारने वाले। तो अशोक के बाद जब उसका वंश चलना शुरू हुआ, तो आगे एक राजा आता है बृहद्रथ नाम का। अब पहले अशोक के टाइम तक या उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक जो यवन थे उनको खदेड़ दिया गया था, लेकिन अभी भी वो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है, जो उत्तर पश्चिम है, वहाँ पे तो प्रेजेंट थे ही थे, तो अफगानिस्तान से बाहर थे लेकिन प्रेजेंट वहाँ पर थे वो। उनकी कोशिश थी फिर से घुसने की, क्योंकि सोने की चिड़िया, तो सोने की चिड़िया को लूटने के लिए हर कोई आना चाहेगा। तो अब जब तक बृहद्रथ का राज्य आता है, उस समय दिमित्रियस वन है जो यहाँ पर इन्वेड करने वाला, तो इन्हें सूचना मिल रही है कि वो धीरे धीरे आ रहा है और लोगों पर अत्याचार कर रहा है। तो बृहद्रथ का कहना था कि युद्ध में लगेंगे तो फिर से ये एक हिंसात्मक काम है, तो अगर वो आता भी है तो अगर वो राजा बन जाएगा, मैं राजा नहीं रहूंगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह की उसकी सोच थी। अब इसका प्रतिकार किया उसका जो एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग नाम का, जो उसके राजपुरोहित का बेटा था। अब यहाँ ये थोड़ा सा एक विरोधाभास आता है कि राजपुरोहित का बेटा है लेकिन वो क्षत्रिय वाला काम कर रहा है, जिसे हमें एक और चीज क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी ऐसा ना तो रिजिड था ना ही जन्म पे आधारित था जैसा आजकल प्रोपेगेट किया जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने जब देखा कि इस तरह से वो अत्याचार करते हुए आ रहे हैं और आम जनता का शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, तो उसने बृहद्रथ की हत्या की और अपने आप कमांड संभाली, और फिर उसने दिमित्रियस वन के साथ युद्ध करते हुए उनको खदेड़ना, यवनों को खदेड़ना शुरू किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टांस है जो ब्राह्मणों के बारे में बताता है कि ब्राह्मण कभी भी एक ब्राह्मण क्या, कोई भी जिसे हम वर्ण कहते हैं, वो कभी भी बिल्कुल लोहे के सांचे में ढला हुआ नहीं था, वहां पर मोबिलिटी हमेशा रहती थी। अब इसके बाद आजकल क्या हो रहा है, जो ब्राह्मणों के अगेंस्ट जो प्रचार किया जाता है, जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसमें कुछ इस तरह की संस्थाएं बन गई हैं और कुछ इस तरह के नेता खड़े हो गए हैं जिनका कहना ये है कि जब ये बृहद्रथ की हत्या हुई तो उसके साथ ही जो बौद्ध मत था उसका हिंदुस्तान में विनाश हो गया, और इसको बहुत जोर शोर से प्रोपेगेट किया जा रहा है कि बुद्धिज्म तो तभी नष्ट हो गया था जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की, और उसके बाद जो जितने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज थे वो तोड़ दिए, बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया, और जितने बौद्ध मत के बड़े बड़े सेंटर थे उन पर ब्राह्मणों ने, वो कहने का अर्थ उनका ये होता है कि हिंदुओं ने उन पर कब्जा कर लिया। तो अब ये हम उससे थोड़ा सा अगर आगे चलें तो जिसे हम 2000 के बाद वाला पीरियड कहते हैं, अगर आज से 2200 साल पहले पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मत को समाप्त कर दिया था, तो ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती कि उसके 400 साल बाद, 500 साल बाद, 600 साल बाद चाइना से उठ के लोग हमारे देश में आ रहे हों कि हमें बौद्ध मत सीखना है तो हमें हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा, क्योंकि संचार के माध्यम कितने भी लिमिटेड रहे हों, 500-600 साल बहुत होते हैं इस बात को बताने के लिए कि अब वहां पर बौद्ध मत नहीं है, वहां पर तो ब्राह्मण अत्याचार कर रहे हैं। तो अगला जो मैं साक्ष्य ले रहा हूं वो एक किताब आपको मिलती है मार्केट में, इसका हेडिंग है चाइनीज लिटरेचर, कॉलोनियल प्रेस लंदन और न्यूयॉर्क में छपी है ये। इसको ट्रांसलेट करने वाले, एडिट करने वाले हैं एपिफेनियस विल्सन। ये सारे नाम इसलिए बताना जरूरी है कि फिर नहीं तो कोई लोग बोल देते हैं कि ये तो ब्राह्मणों की चली हुई चाल है, तो एपिफेनियस विल्सन या तो ब्राह्मण है हमें पता नहीं है, इसलिए मैं इनका रेफरेंस शेयर करना जरूरी समझता हूँ। अब इसमें वो बहुत सारे उन्होंने लेखकों के बारे में, उनका जो उनके जो वर्क्स थे चाइनीज भाषा में, उनको ट्रांसलेट किया है, जिनमें से एक है द ट्रेवल्स ऑफ फाहीन,
जिन लोगों को थोड़ा सा भी इतिहास का पता है वो जानते हैं कि फाहीन 5वीं सदी, चौथी 5वीं सदी में हमारे देश में आया था, और यहाँ से वो चाइना से आया था और बौद्ध मत को सीख के गया था। तो मैं इस किताब का यहाँ पर पेज नंबर 251 और 252 मेंशन कर रहा हूँ। वो जब यहाँ आया तो उसने बताया कि यहाँ पर वो अपनी पूरी किताब में, मैं यहाँ एग्जाम्पल एक ही ले रहा हूँ, लेकिन पूरी किताब में बता रहा है कि मैं यहाँ से जब 20 योजन चलता हूँ तो वहाँ पर एक बौद्ध विहार मिलता है, जब मैं 100 योजन आगे चलता हूँ तो एक और बौद्ध विहार मिलता है, मैं यहाँ से 40 योजन आगे जाता हूँ तो वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा संग्रहार है जहाँ पर हीनयान पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर महायान पढ़ाया जा रहा है। तो पूरा उल्लेख करा और आपको समझ में आता है कि पूरे देश में बौद्ध मत के जो केंद्र थे तब भी बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। जो मैं यहाँ पर आपके साथ उल्लेख शेयर कर रहा हूँ उसमें वो बता रहा है कि हर साल का जो दूसरा महीना है उसमें 2 दिन का एक त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार को उसने एक्सप्लेन किया है कि इसमें रथ यात्रा चलती है और बहुत बड़े बड़े रथ बनाए जाते हैं इसमें लकड़ी के और बांस के। इन रथों में चारों दिशाओं में चार चार जैसे आलय बने होते हैं, निच बनी होती है, और उन चारों में एक एक बौद्ध बैठा होता है, क्योंकि सारा सारे का सारा जो त्यौहार है वो बुद्धिज्म के ऊपर है, और उनके सामने एक एक जो स्टूडेंट है वो बोधिसत्व बन के खड़ा होता है। और ये प्रदर्शनी पूरे शहर से निकलती है और एक रथ यात्रा में 20 या उससे ज्यादा रथ हो सकते हैं। और ये फिरोज स्पेशली बताता है कि हर शहर में ये मनाया जाता है। और खास बात क्या है, आप पेज नंबर 252 सामने देखिए, द ब्राह्मण्स कम एंड इनवाइट द बुद्धास टू एंटर द सिटी, दीज डू सो इन ऑर्डर एंड रिमेन 2 नाइट्स इन इट, ऑल थ्रू द नाइट दे कीप लैम्प्स बर्निंग, हैव स्किलफुल म्यूजिक एंड प्रेजेंट ऑफरिंग्स, दिस इज द प्रैक्टिस इन ऑल द अदर किंगडम्स एज वेल, द हेड्स ऑफ द वैश्य फैमिलीज इन देम एस्टेब्लिश इन द सिटीज हाउसेज फॉर डिस्पेंसिंग चैरिटी एंड मेडिसिन, ऑल द पुअर एंड डेस्टिट्यूट इन द कंट्री, ऑर्फन्स, विडोअर्स एंड चाइल्डलेस मैन, माइम्ड पीपल एंड क्रिपल्स एंड ऑल हु आर डिजीज गो टू दीज हाउसेज एंड आर प्रोवाइडेड विद एवरी काइंड ऑफ हेल्प एंड डॉक्टर्स एग्जामिन दियर डिजीजेस। तो आप एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जिसमें ब्राह्मण जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका स्वागत करते हैं, उनको न्योता देते हैं कि वो आए, उनको आमंत्रित करते हैं, फिर वो 2 रात यहाँ रहते हैं, सभी शहरों में रहते हैं, सभी राज्यों में रहते हैं, और ये त्यौहार मनाया जाता है। जो वैश्य हैं वो दान दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी समाज में आपको वैमनस्य, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा, हर तरह के लोग मिल के ये सारी सेलिब्रेशंस, ये सारे त्यौहार मना रहे हैं। आज उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं कि एक तरफ ब्राह्मण थे और दूसरी ओर बुद्धिस्ट थे, जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और स्पेशली ब्राह्मण खून के प्यासे थे, जो कभी भी नहीं था। ये आपके सामने ओरिजिनल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगला डॉक्यूमेंट मैं ले रहा हूँ, फिर अब मैं आगे एक और बिल्कुल अलग तरह के इंस्टांस पे आ रहा हूँ। ये मैंने कवर किया आपसे 4थी 5वीं सदी। अब हम आते हैं 10वीं सदी में, 10वीं 11वीं में, जिस समय महमूद गजनवी ने हमला करना शुरू किया। पहला उसने हमला किया था सन 998 में, और 1027 तक, यानी अगले 29 साल तक उसने कई हमले किए हमारे देश में। उसके साथ उसका एक इतिहासकार था जिसका नाम अल बेरूनी था, नाम शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा। तो उसकी जो किताब है, फिर से नाम बताना जरूरी है कि यहाँ पर किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा, एक मुसलमान ने लिखा है, और ट्रांसलेट इसे एक जर्मन क्रिश्चियन ने किया है। वो अपनी पेज अपनी किताब में बताता है, इंडिका में, ये उसका सेकेंड वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम्स में ये ट्रांसलेट किया गया, कि जिस समय इस्लाम ने यहाँ पर हमला करना शुरू किया तो उस समय जिसे हम काबुल और जाबुल कहते हैं, वहाँ पर क्योंकि हमारे देश का ही आधिपत्य था, वहाँ पर भी जो सनातन धर्म है वो फैला हुआ था। तो वहाँ पर एक शाही परिवार था जिसे तुर्क शाही कहा जाता है, कि वो लोग थे हिंदू ही, तुर्क हिंदू शाही भी कहा जाता है उन्हें, उनका राज्य था। लेकिन जब इस्लामिक आक्रांता आने शुरू हुए, जब मुसलमानों ने हमले शुरू किए, तो एक राजा था जो जिसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा नहीं था और वो इनसे लड़ नहीं रहा था।
तो फिर से उसका जो वजीर था, क्योंकि मुसलमान लिख रहा था उसने शब्द वजीर लिखा है, वो बता रहा है, देखिए चौथी लाइन देखिए जहाँ पैराग्राफ शुरू हो रहा है, द लास्ट किंग ऑफ दिस रेस वॉज लघुतरमान एंड हिज वजीर वॉज कॉल्ड कल्लर अ ब्राह्मण। अब जैसा पुष्यमित्र शुंग ने इस घटना से लगभग 1000-1200 साल पहले किया था, एक बार फिर वही हो रहा है। एक ऐसा राजा है जो आक्रांताओं से नहीं लड़ना चाहता, और उसके पास एक सजग ब्राह्मण बैठा है जो देख रहा है कि हमारे देश पर अत्याचार होंगे, तो वो फिर से वो क्या करता है, वो इस राजा को हटाकर उसे कैद कर लेता है, और फिर वो वहाँ पर मुसलमानों से युद्ध करना स्टार्ट करता है। और इसके जो वंश के लोग थे उसके बाद ये इन्हें ब्राह्मण शाही कहा जाता है, ब्राह्मण शाही राज रहा, जिसमें आप अगर लास्ट में देखेंगे तो बता रहा है कि सामंतदेव, कमलू, भीमपाल, जयपाल, आनंदपाल, और ये एक पूरा फिर जैसे पहले शुंग वंश था वैसे ये ब्राह्मण हिंदू वंश था, जिसने मुसलमानों से लड़ते और स्पेशली महमूद गजनवी से लड़ते हुए अपना पूरा वंश इन्होंने न्यौछावर कर दिया, लेकिन लड़ने से पीछे नहीं हटे। और अलबेरूनी अब देखिए मुसलमान जो इनकी महानता के बारे में बताता है कि लास्ट जब तक आखिरी आदमी इनके वंश का बचा तब तक ये युद्ध करते रहे, और फिर अल्टीमेटली जब वंश समाप्त हो गया तब कहीं जाकर जो महमूद गजनवी है वो सोमनाथ तक पहुंच पाया था, ये बता रहा है वो। द हिंदू शाही डायनेस्टी इज नाउ एक्सटिंक्ट एंड ऑफ द होल हाउस देयर इज नो लॉन्गर द स्लाइटेस्ट रिमेनेंट इन एग्जिस्टेंस, के आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। फिर वो बता रहा है, आई एडमायर द फॉलोइंग पैसेज इन अ लेटर ऑफ आनंदपाल विच ही रोट टू प्रिंस महमूद। अब ये जिस घटना की बात कर रहा है, महमूद गजनवी जब हिंदुस्तान में अटैक कर रहा था तो उसका जो उत्तर वाली सीमा में जो राज्य था वहां पर कुछ और इस्लामिक आक्रांता थे जिन्होंने महमूद गजनवी पे हमला किया, तो जब वो वापस जाने लगा उधर उसने सोचा कि अब उनसे भी पहले निपटना पड़ेगा, तो आनंदपाल उसे कहता है कि अगर तू चाहे तो मैं तेरी सहायता कर सकता हूँ। इसके लिए वो बता रहा है कि मैं 5,000 घुड़सवार भेजूंगा, 10,000 सैनिक भेजूंगा और 100 हाथी भेज सकता हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि ये मैं तुझे इंप्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी हत्या करूँ, इसलिए मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ। इस तरह के हमारे देश में हमारे पूर्वज रहे हैं, ब्राह्मण रहे हैं, जिन्होंने इन आक्रांताओं को, इनसे युद्ध भी किया है और इनका प्रतिकार भी किया है। अगला एग्जाम्पल मैं सल्तनत पीरियड से लेना चाहता हूँ। अब उससे 300-400 साल बाद आ जाते हैं। किताब है तारीख़ फिरोजशाही, जिसे लिखने वाला है शमसी सिराज अफीफ। इस समय फिरोज तुगलक का राज था, और आपको ध्यान ये रखना है कि जो फिरोज तुगलक है उसे एक कट्टर मुसलमान नहीं कहा जाता, उसे एक सौम्य मुसलमान कहा जाता है, जो कि बड़ा शांति प्रिय था उस समय। अब क्योंकि ये महमूद गजनवी वाला टाइम बहुत पीछे निकल चुका था, मोहम्मद गौरी आ चुका था, सल्तनत पीरियड खिलजी आ चुके थे, और अब तुगलक वंश था, तो दिल्ली और इसके आसपास मुसलमानों ने काफी हद तक कब्जा कर लिया था, तो बहुत स्थितियां बदल चुकी थी। लेकिन अब हो क्या रहा था कि बहुत सारे जो कन्वर्ट भी हो जाते थे वो कहने को मुसलमान थे लेकिन अंदर ही अंदर तो वो हिंदू थे, उन्होंने जिजिया से बचने के लिए किया या तलवार से बचने के लिया के लिए अपने आप को कन्वर्ट किया, वो हम यहाँ कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ वो ये बता रहे हैं कि सुल्तान को दिल्ली में एक रिपोर्ट बताई जाती है कि दिल्ली में एक पुराना ब्राह्मण है जो वहाँ के लोगों को, जो शहर के लोगों को, जिनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, उनको मूर्ति पूजा करवा रहा है, और इसके लिए उसने वहाँ पर एक मूर्ति बना रखी है, और क्योंकि वो मुसलमान इसको लिख रहा है तो कह रहा है कि जिसमें राक्षस जिन्नों की पूजा की जाती है, और जिस दिन पूजा की जानी होती है उस दिन सारे के सारे जो काफिर हैं वो इकट्ठे होते हैं और मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं, और इसमें जो मुसलमान है, मुसलमान नारियां भी हैं और पुरुष भी हैं, वो दोनों इसमें शामिल होते हैं, काफिर तो होते ही होते हैं। तो सुल्तान ने ऑर्डर दिया कि इस ब्राह्मण को पकड़ के लाया जाए, और फिर इसका जो केस था वो वहां पर जो काजी, इमाम, मुल्ला, मौलवी थे उनके सामने रखा गया। अब देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जिनका जीवन समर्पित है समाज के भले के लिए, उनका फैसला लेंगे वो मुल्ला, मौलवी, काजी,
जिन्होंने सारी उम्र अत्याचार किए हैं। तो आगे वो बताता है कि नतीजा क्या आता है, कि उनका जो उन्होंने फैसला किया वो बिल्कुल क्लियर था कि उस ब्राह्मण को या तो मुसलमान बनना होगा या उसे जिंदा जला दिया जाए। तो ब्राह्मण को बुलाया गया और उसके सामने सच्चा दीन रखा गया कि अगर तू इस्लाम कबूल कर लेगा तो तुझे छोड़ देंगे, नहीं तो तुझे जला दिया जाएगा। तो ब्राह्मण मुसलमान बनने से मना कर देता है। तो फिर वहां पर घी और लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है, उस पर ब्राह्मण को बिठा कर वो जो मूर्ति उसने बनाई थी, जो टैबलेट बनाया था, उस पर फेंक दिया जाता है और फिर उसके सर और पैर में आग लगा दी जाती है। तो ब्राह्मण वहां पर चीखता चिल्लाता हुआ मर जाता है। ये हैं जो चतुर चालाक ब्राह्मण झेल रहे थे, जो हमारे पूर्वज थे बीते 1000 साल में। और आगे देखिए, फिर उसी किताब में अगला जो मुकदमा बता रहे हैं, चौथा मुकदमा, द जिजिया और द पोल टैक्स हैड नेवर बीन लेवाइड फ्रॉम ब्राह्मण्स, दे हैड बीन एक्सक्यूज्ड इन फॉर्मर रेन्स। कि ब्राह्मणों पे जिजिया नहीं लगाया था फिरोज तुगलक ने, लेकिन बाकियों पे लगा रखा था। तो अब तुगलक ने सोच लिया, और ये सबसे सौम्य मुसलमान है, उसने सोचा कि क्योंकि जो ब्राह्मण है वो कुफर की, वो काफिरों की जड़ है। अब यहाँ शब्द है, द ब्राह्मण और द वेरी कीज ऑफ द चैम्बर ऑफ आइडोलेट्री, कि वो चाबी है कुफर की, इसलिए, और क्योंकि काफिर इन पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इन पे तो सबसे पहले जिजिया कर लगाया जाना चाहिए था, तो इसलिए वो लगा देता है। अब एक और जो नैरेटिव हमारे देश में पेश किया जाता है कि जब इस्लाम आया तो यहाँ पर तो जाति पांति में बटे हुए थे, तो लोगों ने फटाफट से जो ब्राह्मण थे उनको छोड़ दिया और सीधे मुसलमान हो गए। अब यहाँ पर जब फिरोज तुगलक इन पे जिजिया कर लगाता है, तो ब्राह्मण इकट्ठे होके जाते हैं उसके घर के सामने और उसको बोलते हैं कि हम तो जिजिया दे नहीं सकते। तो और फिर वो बोलते हैं कि अगर तुमने ये अपना जिजिया कर हमसे नहीं हटाया तो हम अपने आप को जला के जान दे देंगे। तो इसके बाद जो लेखक है वो लिख रहा है, व्हेन दीज प्लेजेंट वर्ड्स वर रिपोर्टेड टू द सुल्तान, ही रिप्लाइड दैट दे माइट बर्न एंड डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स एट वंस, फॉर दे वुड नॉट एस्केप फ्रॉम द पेमेंट। तो सुल्तान खुश हो गया। उसके लिए जो उन्होंने पर्शियन टर्म ली हुई है वह कलिमाते पुर नगमात, के एक संगीत जैसा लगा जो सुल्तान था उसके कानों के, कि जो ब्राह्मण है अपने आप को जलाने की बात कर रहे हैं। तो कहता है जलाते हैं तो जला लें। फिर इसके बाद जो शहर के लोग हैं, जो हमें बताया जाता है कि जिनको ब्राह्मणों ने शोषण किया था जिनका, वो इन ब्राह्मणों के पास आते हैं और इनको बोलते हैं कि आप इस सुल्तान के लिए अपनी जान मत दो, अगर जिजिया कर देना है तो आपके पास नहीं होता तो हम आपकी ओर से जिजिया कर इनको दे देंगे। तो ये स्थिति थी हमारे देश में ब्राह्मणों की और आम लोगों की। तो फिर अल्टीमेटली उनपे जिजिया लग गया और आम लोगों ने वो जिजिया कर ब्राह्मणों की ओर से सुल्तान को दिया। तो ये हमारे सल्तनत पीरियड तक। अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं उससे लगभग 200 साल बाद, 16वीं सदी में एक यूरोपियन आता है जिसका नाम था टॉम पायर्स। वो यहाँ के, उसने किताब लिखी, तो उस किताब का एक अंश मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि वो भी यहाँ पर, अब ये वास्को डी गामा के बाद यहाँ पहुंचा था, जब समुद्र वाला रास्ता निकल आया था, तो उसने गोवा उसके आसपास के इलाकों को स्टडी किया और वो यहाँ के बारे में क्या बता रहा है, वो ब्राह्मणों को एक्सप्लेन कर रहा है। जहाँ पर मैंने केवल वो वाला अंश लिया, इसमें यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण हैं, अलग अलग तरह के हैं। सम ऑफ देम आर नोबल मैन विद मैनी फॉलोअर्स एंड लैंड ऑफ दियर ओन, कि उनके पास भूमि भी है और उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास जमीन जायदाद भी है, और यहाँ गोवा में इनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है, उनके बहुत सुंदर मंदिर हैं, और फिर इन मंदिरों में वो ब्राह्मण हैं, दे आर प्रीस्ट्स और ब्राह्मण्स ऑफ मेनी काइंड्स, और इन ब्राह्मणों में कुछ हैं जिनका बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है, वो ऐसी कोई चीज नहीं खाते जिसमें खून हो। दीज ब्राह्मण्स आर ग्रेटली रिवेयर्ड थ्रू आउट द कंट्री, पर्टिकुलरली अमंग द हीथन्स, के जो यहाँ के काफिर हैं वो इनकी बहुत इनका बहुत सम्मान करते हैं, और जो गरीब हैं वो छोटे मोटे काम करते हैं। और इसी पैराग्राफ में लास्ट में आप देखिए, देयर क्लेवर प्रूडेंट लर्नड इन देयर रिलीजन, ए ब्राह्मण वुड नॉट बिकम अ मोहम्मडन इवन इफ ही वर मेड अ किंग।
कि ब्राह्मण इतनी शुचिता रखते हैं कि अगर आप इनको मुसलमान, अगर आप इनको पूरा शासन भी दे दोगे, राज भी दे दोगे, तो भी ये मुसलमान बनना स्वीकार नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल लेता हूं, उसके 200 साल बाद जहांगीर, उसकी किताब है तुजुके जहांगीरी, और इसे ट्रांसलेट किया है हेनरी बेवरेज ने। यहां पे वो आज से सिर्फ 400 साल पुरानी बात बता रहा है, द लर्नेड ऑफ इंडिया। अब आपको याद ये रखना है कि जहांगीर भी एक कट्टर मुसलमान था, और वो लिख रहा है हिंदू कास्ट के बारे में, द लर्नेड ऑफ इंडिया हैव एस्टेब्लिश्ड फोर मोड्स ऑफ लाइफ फॉर द कास्ट ऑफ ब्राह्मण्स विच इज द मोस्ट ऑनर्ड ऑफ द कास्ट ऑफ हिंदूज। तो अभी भी सबसे ऑनर्ड, सबसे सम्मानजनक वर्ण माना जा रहा है ये। अगर वो शोषण करने वाले होते तो इतने साल बहुत होते हैं, इतनी शताब्दियां बहुत होती हैं किसी भी शोषित समाज को आवाज उठाने के लिए और परिवर्तित होने के लिए। फिर वो बता रहा है कि यहाँ पर वो जो वर्ण, जो आश्रम व्यवस्था है उसके बारे में बता रहा है, द बॉय हु इज बॉर्न इन अ ब्राह्मण हाउस दे डू नॉट कॉल ब्राह्मण टिल ही इज 7 ईयर्स ओल्ड एंड टेक नो ट्रबल ऑन द सब्जेक्ट। आफ्टर ही हैज अराइव्ड एट द एज ऑफ 8 ईयर्स दे हैव अ मीटिंग एंड कलेक्ट द ब्राह्मण्स टुगेदर। फिर उसको वो मुंज, जो कुशाग घास है वो लगाते हैं, और फिर आगे चल के बताता है, हैविंग मूव ऑन अ जूनर, के जब उसको वो यज्ञोपवीत कर देते हैं, फिर उसको दंड दिया जाता है और उसको कमंडल दे दिया जाता है, फिर वो वेद पढ़ने शुरू करता है। फिर यहाँ खास बात आती है, फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड दे कॉल हिम अ ब्राह्मण। अब यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन रोक रहा हूँ, और अब हम वीडियो ले सकते हैं फिर से। अब ये मैंने आपके साथ मेगास्थनीज के टाइम से, यानी आज से 2300 साल से लेके आज से 400 साल पुराना, लगभग 2000 साल के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स शेयर की हैं, जो आपको जितने के जितने इन्होंने फॉल्स नैरेटिव बना रखे हैं, जितने परसेप्शन क्रिएट कर रखे हैं, उन सबको तोड़ने के लिए सफिशियंट होने चाहिए। क्योंकि समय सीमा थी इसलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं शेयर करना चाहता, और इसलिए मैं उसके आगे अंग्रेज़ों वाले पीरियड में नहीं जा रहा हूँ, वो मुकेश जी बहुत अच्छे से उसको डील कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि समय सीमा पूरी हो गई है, मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद नीरज जी, बहुत ही सुंदर, टिकाऊ और सुव्यवस्थित तरीके से जो आपने ब्राह्मणों का ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है, और जिस तरह से ये कम्युनिस्टों के द्वारा और ये सेकुलरिस्ट लॉबी के द्वारा ब्राह्मणों के अगेंस्ट जो एक नैरेटिव तैयार किया गया था उसको आपने डिमोलिश किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ये तो हम खैर जानते ही हैं कि ये ब्राह्मणों के बारे में जो अपवाद फैलाने के काम इन लोगों ने किए हैं उससे परिचित तो थे, लेकिन प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो आप जैसे विद्वानों के द्वारा ये जो प्रमाण उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि कहीं पर भी किसी भी सभा में हम उनको ये बता सकें कि ये देखो ये प्रमाण है, और तुम जो मिथ्या भाषण करते हो उसको हम चुनौती देते हैं। जी तो मुझे लगता है ये बहुत ही सुखद आज आपको सुनने का अवसर हमें मिला है, और बहुत प्रमाणिक मिला है। ये मेरे लिए एक बहुत उपलब्धि है, और मैं समझता हूँ कि सभी प्रतिभागियों के लिए भी उपलब्धि है कि इतिहास की जो घटनाएं हैं उसका जो क्रमिक विकास है उसको बहुत धैर्यपूर्वक सुलझे हुए दिमाग के साथ और संयमित वाणी के साथ ही जो है वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अन्यथा फिर हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे, कि नहीं तो फिर वो नारे लगाते रहेंगे कि भाई हम तुम्हारे हिंदुस्तान के तोड़ के दिखा देंगे, टुकड़े कर देंगे, तो ऐसे से वो रह जाएगा। तो मैं आपके प्रति बहुत बहुत सम्मान व्यक्त करता हूँ कि इतना स्पष्ट और इतने सरल तरीके से आपने हमारे सामने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं और बड़े सुव्यवस्थित तरीके से, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आपकी बात मैं और भी सुनना चाहता था, लेकिन वही है कि समय की थोड़ी सी सीमा है, तो कुछ बातें हम प्रश्नोत्तर काल में लेंगे। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं आज के दूसरे मुख्य वक्ता, जो जनरल सेक्रेटरी हैं हिंदू महासभा के, श्री मुकेश शर्मा जी न्यू दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हिंदू महासभा जो है वो वीर सावरकर को स्वीकार करती रही है।
मुकेश जी शायद मैं सही हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा करेक्ट। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट नहीं है आप, कृपया आप पहले अपने को अनम्यूट करिए। सर आपका माइक म्यूट है, माइक को अनम्यूट करें डॉक्टर साहब। जी जी हाँ जी, अब नाउ यू आर ऑडिबल। ऑडिबल। तो मैं समय ना लेता हुआ और कोई बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे सीधे मुकेश जी को अगले आधे घंटे के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कि जो सीधी सटी बेबाक अपनी राय है सुव्यवस्थित तरीके से जैसे वो हमारे साथ साझी करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं बहुत भाग्यशाली फील कर रहा हूँ आज एक बहुत अच्छे विषय के ऊपर अपना वक्तव्य पेश करने हेतु। आशुतोष अंगिरीश जी का धन्यवाद और साथ में नीरज अत्री जी का विशेष धन्यवाद जिन्होंने बेहतरीन तथ्यों के साथ एक अद्भुत प्रस्तुति प्रस्तुत की। वस्तुतः ब्राह्मण आज के समय में एक ऐसा विषय है जिसका वर्णन धरती के सबसे खतरनाक खलनायकों में से किया जाता है। ऐसे दौर में जब पैसा सुप्रीम गॉड बन चुका है और मान सम्मान केवल उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके पास पैसा होता है, उस दौर में भी अगर कुछ लोग कपोल कल्पित इतिहास पर छाती पीटते हों, खुद को शोषित पिछड़ा मानकर खुद की बेहतरी के लिए कुछ करने के बजाय किसी दूसरे को गिराने में अपनी ऊर्जा खपा रहे हों, ऐसे में इसका पता लगाना बेहद आवश्यक हो जाता है कि उन्हें भटकाया किसने है और इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वह सत्य सिद्ध हो ही जाता है। प्रोपेगेंडा में बहुत ताकत होती है, यह किसी एक के सोच विचार बदलने का एक कोई ताकतवर हथियार ही माना जा सकता है। लगभग 150 वर्ष पूर्व ब्राह्मणों के विरुद्ध वेस्टर्न माफियाओं ने, जो वैसे तो ये नास्तिक दर्शन जितने भी आए उन्होंने भी ब्राह्मणों के विरुद्ध अनर्गल मिथ्या दुष्प्रचार किए, और जैसे कि आशुतोष अंगिरस जी ने कहा कि ब्राह्मणिज्म नाम का ऐसा कोई शब्द पहले नहीं था, ये तो जो नास्तिक दर्शन आए उन्होंने जब विरोध करना था तो उनके पास कोई नाम ही नहीं था कि इसको किस नाम से परिभाषित किया जाए, तो उन्होंने इसको ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण धर्म का नाम दिया। आज मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आज कोई 150-200 साल पहले ग्लोबल माफियाओं द्वारा जो ये किया गया प्रोपेगेंडा वर्तमान में एक 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 मिशन सा बन चुका है। ये सब राजनीतिक पार्टी के नेता और उनके समर्थक या अमेरिका यूरोप में बैठे माफियाओं के जो चंदे आते हैं, इनके इन पर पलने वाले एनजीओ या भारत के कुंठाग्रस्त बुद्धिजीवी, इन बुद्धिजीवियों से प्रभावित युवा, लगभग हर तरफ से ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसा भड़काऊ माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे दोनों, जैसे दोनों वर्ल्ड वॉर उन्होंने करवाई है, हिटलर स्टालिन माओ ब्रिटेन अमेरिका ने दुनिया भर में जितने कत्लेआम किए सब ब्राह्मणों की वजह से ही किए गए। एंटी ब्राह्मण माहौल बनाने के लिए ये दलित पिछड़े नेता पत्रकारों का ब्राह्मण विरोध तो मात्र एक मुखौटा भर है। आप मैं वस्तुतः आज यह समझाने के का ही प्रयास करूंगा। हेलो, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल आ रही है। मैं वस्तुतः यही समझाने का प्रयास करूंगा, ब्राह्मण विरोध के पीछे के मास्टरमाइंड कहीं और बैठे हैं। हर किसी को यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिए, यह युग पैसे का है, भौतिकवाद का है। जिसके पास जितना पैसा है उसकी आवाज उतनी ही तेजी से सुनी जाती है। पहले की व्यवस्थाओं में जो ब्राह्मण आधारित व्यवस्थाएं थी उसमें ज्ञानवान को श्रेष्ठ माना जाता था, उसके बाद शक्तिवान को श्रेष्ठ माना जाता था, तत्पश्चात धनवान को श्रेष्ठ माना जाता था। परंतु आज धनवान को श्रेष्ठ माना जाता है, उसके बाद शक्तिवान को श्रेष्ठ माना जाता है, और ज्ञानवान की तो मतलब कोई आवश्यकता समाज समझता नहीं है, ना ही उस और भागने की कोशिश करता है, उसको आत्मसात करने का प्रयास करता है। मैं अभी आशुतोष जी ने जो एक स्लाइड प्रस्तुत की थी आरंभ में, उसमें एक व्यक्ति के पीछे टैटू गुदा हुआ था जिसमें लिखा था पांडित्य शरणम वा में मृत्युर्वा, पांडित्य ही मेरा, ज्ञान की खोज ही मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा, अन्यथा मैं मृत्यु को आत्मसात करूं। ये ध्येय ब्राह्मण समाज के मूल उद्देश्यों में था।
आज एंटी ब्राह्मण माहौल बना रहे लोगों के साथ जो समस्या है वो भारत को तोड़ने का सपना देखने वाली है, क्योंकि जब तक ब्राह्मण समाज नहीं टूटेगा तब तक ये मतलब भारत को ये लोग नष्ट नहीं कर पाएंगे। देखने वाली बात है इन सारे कामों के लिए अकूत धन और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाता है, ये समझने की बात है ये पैसा आता कहाँ से है, लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते। आखिर ब्राह्मणों ने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिसके चलते आज उनके अस्तित्व को मिटाने की बातें हो रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, थोड़ा उनकी ओर समझने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण और मानव जगत दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे से हैं, अधूरे रहे हैं। ब्राह्मण शब्द का मानव जाति से वही संबंध है जो जल का प्रकृति से, अर्थात एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं कि जल ही सर्वश्रेष्ठ है या मानवों में सिर्फ ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ ना कोई नीचा है ना कोई ऊंचा है, बल्कि सभी का अपना अपना महत्व है। ब्राह्मण आधारित व्यवस्था में प्राणी जीवन के दो द्वार हैं, एक जीवन और एक मृत्यु, और ब्राह्मणिक आदर्श संहिताओं के अनुसार, मर्यादाओं के अनुसार एक आदर्श सभ्यता उसी को माना गया है जो इसके बीच के मार्ग को सरल कर दे, जिसमें छल कपट रहित जीवन यात्रा हो, मनुष्य और प्रकृति के समग्र विकास हेतु लोग अपने सतत प्रयास करें। ऋषियों और ब्राह्मणों द्वारा निर्मित भारतीय सभ्यता धरती की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी और भारतीयों द्वारा बनाई व्यवस्था धरती की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में, लेकिन इसे समझना उतना ही सरल है जितनी सरल हमारी ये सभ्यता थी, जिसको कि आज कॉम्प्लिकेटेड करके लोगों को प्रस्तुत किया जाता है, जो लोग और कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते। इस व्यवस्था में मनुष्य का जीवन कितनी आसानी से गुजर जाए इस पर जोर दिया जाता था। आज केवल एक शिक्षा व्यवस्था का काम रह गया कि कितनी जल्दी इस ग्लोबल सिस्टम को चलाने के लिए गुलाम पैदा किए जाएं। 10वीं 12वीं पास होते ही इनको कहीं ना कहीं क्लैरिकल जॉब्स में लगाने के लिए एक चिड़ियाघर है, जानवर बंद है, ट्रेंड किए जा रहे हैं। आज की कथित ये प्रगतिशील व्यवस्था ने प्राणी जगत का क्या हाल किया ये हर कोई जानता है। लोगों को अपने जीवन से घुटन सी होने लगी है, लोग अपनी जरूरतों की चीजें पाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। क्राइम कितना बढ़ चुका है आज के समय में, जबकि लॉर्ड मैकॉले का आपने बयान यदि पढ़ा हो तो उसने कहा कि मुझे मतलब ऐसे क्रिमिनल तो दिखाई नहीं दिए भारत में, भिखारी भी यदा कदा कोई दिखाई दिया गया हो उसे, लेकिन नकारा के भीख भी कोई नहीं मांगता था। लोगों को अपने जीवन से इतनी घुटक होने लगी कि वो आज मंगल ग्रह पे जाने के लिए भी लोग तैयार हैं कि वहां पे जीवन खोजे जाएं। ये व्यवस्था ये क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों इन तथाकथित प्रगतिशील लोगों द्वारा धरती समेत प्रकृति का इस प्रकार शोषण और दोहन किया गया, या आज मंगल पर प्लॉट तलाशने के निकल रहे हैं। इस दानवी व्यवस्था को यदि बिचौलियों की व्यवस्था कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज हर एक कदम पर बिचौलिए हैं जिनसे पार पाए बिना जीवन निसंदेह मुश्किल है, कठिन है। प्रगतिशील बनने और विज्ञान द्वारा चीजें आसान बनाने के नाम पर मानव जीवन को इतना जटिल बना दिया गया है कि प्रकृति को हम इन वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से हानि ही निरंतर पहुंचाते जा रहे हैं, जबकि हमारी व्यवस्थाओं में ऐसा पहले नहीं था। खाने पीने से लेकर हवा, जमीन, पानी सब कुछ दूषित प्रदूषित, और इन पर कब्जा माफियाओं, दिल्ली जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहर में आज कम से कम 50 से ज्यादा भूजल माफिया हैं जो पृथ्वी के गर्भ से जल का दोहन करते हैं और उनको भारी कीमतों पर, भारी मुनाफे पर बेचते हैं, लेकिन उनके प्रति सरकार ने कभी कोई हार्ड डिसीजन नहीं लिया जिससे कि ये दोहन रोका जा सके।
दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में आज पानी कम से कम 150 फुट से नीचे जा चुका है, 150-200 फुट। गुड़गांव में 350-400 फुट से नीचे जा चुका, कहीं कहीं 700 फुट से नीचे है। धरती पर राज करने वालों का सपना देखने वाले कुछ ग्लोबल माफियाओं ने धरती पर ऐसा सिस्टम थोपा जिससे पूरा मानव जगत उनका गुलाम हो गया। समस्या यह नहीं कि मानव जगत गुलाम है, समस्या यह है कि उन्हें इसका आभास तक नहीं है। अब इस दानवी व्यवस्था की राह में टांगे अड़ाने वाला कोई बचा है तो वह केवल एक भारत समुदाय है। जाति पाति के नाम पर हमें बहुत कुछ बताया गया, लेकिन जैसा कि अभी नीरज जी ने बताया कि बहुत सारे यात्रियों ने किस प्रकार वर्णन किए हैं, तो जो चीनी यात्री भारत में आए, ह्वेनसांग, फायान, इचिंग, इनकी यदि आप इनके यात्रा वर्णन आप सुने और इनके इनकी इन्होंने जो भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, रणनीतिक और अन्य व्यवस्थाओं का जो वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है, उसमें ये जातिवादी या इस प्रकार के भेदभाव के कोई विषय ही नहीं उन्होंने प्रस्तुत किए। अब या तो वह प्रस्तुत करना भूल गए, या उन्हें किसी ने प्रस्तुत करने से रोका, या उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं इसलिए प्रस्तुत नहीं किया उन्होंने ऐसा, ना कुछ ऐसा कुछ लिखना जरूरी समझा। पिछले हजारों सालों से दानवों और दानवी व्यवस्थाएं अपना काम करने के लिए ब्राह्मणों के विरुद्ध सर उठाती रही हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करके जन समुदाय को भड़काना उनका प्राथमिक उद्देश्य रहा है। जबकि ब्राह्मण पिछले हजारों सालों से, लाखों सालों से, युगों युगों से उनके विरुद्ध लड़ता रहा, बल्कि लोगों को शिक्षित कर उनके खिलाफ खड़ा करता रहा। इस हेतु ये सबसे पहले समझना आवश्यक है कि शैतानी व्यवस्थाओं में सबसे बड़ा रोड़ा केवल ब्राह्मण है। और पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख आया है, राजा आगे शशांक का भी उल्लेख है, कई राजा हैं ऐसे। यह कई इतिहासकारों ने पूर्व में लिखा है कि जब तक ब्रह्मक्षत्रिय वर्चस्व भारत में स्थापित रहा, तो किसी भी कालखंड में भारतीय किसी भी देश के राजा द्वारा भारत का अतिक्रमण करने का साहस किसी के द्वारा नहीं जुटाया गया, जब तक यह ब्रह्मक्षत्रिय वर्चस्व स्थापित रहा। परंतु तो जैसे जैसे यह ब्रह्मक्षत्रिय वर्चस्व टूटा और बृहद्रथ जैसे राजा आए या और राजा आए जिन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था को दरकिनार करने का प्रयास किया, तो बाहर के राजाओं द्वारा यहाँ पर पुनः अपने मंसूबों को पालने के सपने देखे जाने लगे। मूलतः ब्राह्मण हजारों वर्षों से अध्यापक समुदाय रहा, एक टीचर कम्युनिटी कही जाती है, जिसका कार्य हमेशा से मानव समाज को सुशिक्षित करना, जागृत करना, उन्हें बेहतर बनाना, वो भी कोई पैसा मांगे, 1 रुपया फीस नहीं है। मानव मूल्य क्या होते हैं, धरती पर हर एक प्राणी की कीमत क्या है, ये ज्ञान ब्राह्मणों ने भारतीय समाज को दिया, पूरे विश्व को दिया। आज के समय में लोग अपने बच्चों को हजारों लाखों की फीस देकर पढ़ाते हैं, फिर भी वही बच्चे अपने माँ बाप को लात मार देते हैं। सामाजिक जीवन जीने वाले भारतीयों को एकाकी सभ्यता में जीना सिखाया जा रहा है। भारतीयों ने जो आपसी विश्वास पर आधारित समाज और व्यवस्थाएं बनाई थी, आजकल वह एक आई का अड़िया इतिहास के पन्नों में सिमट के रह रही। ऐसा पहले पश्चिम में होता था और वही कुसंस्कृतियां भारत में स्थापित होती जा रही है। हैरानी सबसे बड़ी यही होती है कि विलक्षण डीएनए रखने वाला भारतीय समाज आज इन प्रपंचों को समझ नहीं पा रहा और अपने को इनका शिकार निरंतर बनाता जा रहा है। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग कबीलाई जीवन जी रहे थे, उस समय भारत के लोगों ने ब्राह्मण व्यवस्था के अधीन एक केवल एक ध्येय ये नहीं बनाया कि पेट भरना और बच्चे पैदा करना था। ब्राह्मणों के नेतृत्व में भारतीयों ने एक उच्च कोटि की सभ्यता विकसित की। नहीं मात्र दुनिया की सबसे पहली पुस्तक ऋग्वेद भारत में लिखी गई, बल्कि सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, पतंजलि योग सूत्र आदि, ब्रह्म सूत्र, ऐसे ऐसे दुर्लभ ज्ञान के भंडार यहाँ पर उस समय रच दिए गए थे, जिनकी आज खैर इस विषय पर आप सब जानते ही होंगे।
मैं और थोड़ा आगे चलूं, ब्राह्मणों का यदि सृष्टि की शुरुआत से एक 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 मिशन कहा जाए तो वह ये माना गया कि धरती को कैसे सभ्य समाज के रहने लायक एवं बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। यही कारण था कि उन्होंने सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए समाज में कई प्रकार नियमों का निर्माण किया और उनका पालन समाज किस तरह करे इसके उपाय भी किए गए। छात्रों को विद्या देने के लिए या एक बीमार व्यक्ति से इलाज के लिए पैसे वसूलने से बड़ा अपराध धरती पर कोई और नहीं। ये व्यवस्था ही धरती पर हर भ्रष्टाचार की जननी है। ब्राह्मणों को मिटाना इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि वर्तमान में जो शैतानी सिस्टम, एक भौतिकवादी सिस्टम, एक दानवी सिस्टम दुनिया में थोपा गया है जिसके तहत हर चीज बिकाऊ बना दी गई है, ये सब ब्राह्मणिक ढांचे में फिट नहीं बैठती। ब्राह्मण ऐसी व्यवस्था के हमेशा विरोधी रहे। कुछ ब्राह्मण ऐसे रहे जिन्होंने ये काम भी किए, परंतु जो आदर्शवादी ब्राह्मण रहे जिन्होंने वशिष्ठ बृहस्पति की के ब्राह्मणिक सिद्धांतों का अपना आदर्श माना, उन्होंने स्वयं सदैव इन चीजों का विरोध किया, इन व्यवस्थाओं का, दानवी व्यवस्थाओं का विरोध किया। अब चाहे वह किसी छात्र से पैसे वसूल कर उन्हें शिक्षा प्रदान करना हो, या चाहे बेड पर लेटे बीमार व्यक्ति से पैसे वसूलना हो, दूध दही अनाज यहाँ तक कि जल, आज हवा तक बेचने का धंधा चल रहा है। ये सिद्धांत आदर्श ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के नहीं थे। यहाँ पर ब्राह्मणवादी शब्द को ब्राह्मण ओरिएंटेड करके ना देखा जाए, एक आदर्श संहिता, एक आचार संहिता के पर्याय के रूप में देखा जाए। न्याय व्यवस्था जैसी चीज को भी बिकाऊ बना दिया गया। आज बिना पैसे और किसी बिचौलिए के न्याय तो दूर, लोगों को सुनवाई तक हो नहीं सकती। दंड संहिताओं में हमारी ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करते पाया जाए तो उसमें यदि ब्राह्मण हो तो उसको 1,000 पण का दंड दिया जाए, क्षत्रिय हो तो उसे 500 पण का दंड दिया जाए, वैश्य हो तो उसको 250 पण का दंड दिया जाए, और शूद्र हो तो उसको 100 पण का दंड दिया जाए। क्यों? इसका आधार यह रखा गया कि जो ज्ञानवान है, ब्राह्मण को ज्ञानवान माना गया, वह ज्ञान रखते हुए यदि ये इस प्रकार की चोरी आदि अपराध कर रहा है तो उसका जो अपराध का लेवल है वह एक साधारण मनुष्य से, ज्ञानी मनुष्य से जो ज्ञान नहीं रखता उससे कई गुना ज्यादा है। इसलिए उसके दंड की सीमा भी, उसके दंड की जो परिधि थी वो भी व्याप्त करके उसको बड़ा दंड दिया गया। परंतु पश्चिम साहित्यकारों द्वारा हमारे यहाँ पर कुछ और ही पढ़ाया लिखाया गया। इस प्रकार की व्यवस्थाओं से हमें एक द्वेषी बनाकर हमें युवा समाज को, हमारे समाज को, हमारे ही प्रति एक हीन भावना से ग्रस्त कर दिया गया कि ये बेकार लोग हैं, ये गलती करते हैं। आज मूलतः अगर आप अंदाजा लगा, आज आज हम सबके लिए बड़ा मुश्किल है कि हम अंदाजा लगा पाना कि इंसान पैसे कमाने के लिए पैदा होता है या अन्य प्राणियों की तरह केवल जीने के लिए। मैं अपना गुरुकुल आरंभ किया मैंने, जब तुम उससे लोगों ने पूछा कि आपने ये गुरुकुल क्यों आरंभ किया, इसका कारण क्या है, शुरुआत में मैंने भी एकदम ऐसे प्रश्न की आवश्यकता नहीं समझी थी कभी, लेकिन जब आज किसी ने पूछा तो मुझे उसके अच्छे उत्तर देने के लिए प्रेरित होना पड़ा। तो मुझे जो मंथन मैंने किया उसका आधार यही था कि शिक्षा वो जो जीना सिखाए, कैसे जीना है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाए कि लूटना कैसे है, छल कपट कैसे करना है। ग्लोबल माफियाओं द्वारा हर देश में सेंट्रल बैंक बनाकर मुद्रा करेंसी के नाम पर लोगों से खूब लूट मचाई गई। आज आप फल फ्रूट भी मुफ्त में पाने की कल्पना नहीं कर सकते। पहले जो व्यवस्थाएं थीं उनमें आप कहीं भी जाते थे तो आपको फल आराम से उपलब्ध हो जाता था, कोई छाछ नहीं बेचता था। दूध आपको किसी गांव में पहुंच जाए तो लोग आपको दूध और छाछ से नहला देते थे। आज आप ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज सबसे ज्यादा लूट खसोट तीर्थ यात्राओं के समय वहां पर परिवहन व्यवस्था वाले और खाने पीने वाले लोग, होटल ढाबे वाले करते हैं, होटल वाले करते हैं। ये सब इनको यदि देखा जाए तो इसका ब्राह्मणों ने धरती पर जो सिस्टम बनाया था उनमें इन सब शोषणकारी चीजें कहीं नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मणों की सलाह और देखरेख में ही भारत का शासन चलता था, वह शासित होता था।
इसलिए आवश्यक है कि उन्हें इतना बदनाम कर दिया जाए कि जिससे उन्हें शासन से दूर रखने में कोई समस्या ही ना आए। आज यदि हम राजतंत्र आधारित प्रणाली की बात करें तो सबसे बड़ा विरोध भारतीय जनसमुदाय ही करेगा। राजकाज को लेकर एक पुरानी कहावत होती थी कि अगर किसी राष्ट्र की राज्य व्यवस्था के बारे में जानना है तो आप वहां के राजा को नहीं बल्कि उस राजा के सलाहकारों को देखो। ये एक इसके बारे में यदि लोग अपना चिंतन करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि ब्राह्मण व्यवस्था के आदर्श सिद्धांत कितने आवश्यक थे एक राजकाज एक शासन करने हेतु। पश्चिम सामाजिक जीवन में सिर्फ मनुष्यों की गिनती होती है किसी अन्य की नहीं, जबकि यहाँ पर सामाजिक ढांचा मात्र मानव जीवन तक ही सीमित नहीं हुआ कभी, बल्कि उसमें प्रकृति, पेड़, पशु, पक्षी, वनस्पति, पर्वत, नदियां, इन सबके प्रति एक पूरा ब्रह्मांड आता है जिसके जिनके संरक्षण और सम्मान की बातें वेदों में लिखी गई। ब्राह्मणों ने हर उस चीज का संरक्षण पर बल दिया जो कि प्राकृतिक संतुलन और मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक थे। पश्चिम जगत ने हमेशा से ही हमें ठग और लुटेरा बनाया, जबकि वह स्वयं एक ठग और लुटेरा प्रवृत्ति में सदैव रहे। उन्हें जहां जहां मौका मिला वहां उन्होंने लोगों को ठगा। रूस के लोग आज भी ब्रिटेन को ठग लुटेरा और अंग्रेजी भाषा में चोर लीडरों की भाषा बोलते हैं। आज के समाज व्यवस्था कुछ लोग हैं, कुछ लोग चाहे जितना बड़ा अपराध कर लें वह कभी सुधर नहीं सकते, क्योंकि वह समाज व्यवस्था कुकर्मियों को सजा ही नहीं दे सकती। संविधान जो बनाए जाते हैं उनमें उनसे बच निकलने के रास्ते होते हैं, दंड के सारा प्रावधान नहीं होते। बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा ये न्याय व्यवस्था खरीदी जाती है। मुकेश जी, जरा इसको थोड़ा सा कुछ हमारे ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है या ये अंग्रेजों के साथ और प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस पे थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डाल दें तो बड़ा लाभ हो जाएगा हमें। और जी, 1857 का विद्रोह आप सबने अच्छी तरह से शब्द में जाना है, उसको हमारे पाठ्यक्रम में जगह दी गई है। यह उचित दी गई और या उसमें कुछ कटौती की गई इस पर नीरज अत्री जी बेहतर बता सकते हैं। मेरे हिसाब से ये अन्याय हुआ कि 1857 को एक बहुत छोटा सा अध्याय बनाकर भारत में परोसा गया, जबकि वह एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी। वह विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरोध नहीं था, वह वह जो विद्रोह था वह ब्राह्मणिकल आचार संहिताओं के विरोध में जो कार्य छल प्रपंच किए जा रहे थे उनके विरुद्ध था। 1857 के बाद एक आईएएस हुए मकॉलिफ, जवान थे, इन्हें समीक्षा का कार्य दिया गया कि ब्राह्मण के 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। तो इन्होंने जो अपनी समीक्षा रिपोर्ट पेश की उसमें इन्होंने सबसे जो बड़ा आधार लिखा कारण 1857 के विद्रोह का, वो ये लिखा कि ये ब्राह्मण हर जगह अपने धार्मिक आस्थाओं और प्रतीकों को लेकर असंतुष्ट रहते हैं। उस असंतोष के कारण ये अन्य लोगों को भड़काते हैं और विद्रोह के लिए प्रेरित करते हैं। इस आधार पर उसने रिकमेंडेशन में अपनी समीक्षा रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन की कि ब्रिटिश आर्मी में ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी ब्राह्मण रेजिमेंट हैं उनको भंग कर दिया जाए और अधिकाधिक जो कर्मकांडीय धार्मिक स्वभाव के ब्राह्मण हैं उनको हटा दिया जाए और जो बाकी जो सॉफ्ट पोलाइट ब्राह्मण हैं उनको अन्य ब्राह्मण अन्य रेजिमेंट में मर्ज कर दिया जाए। यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है कि मकॉलिफ ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में ये लिखा कि 1857 का विद्रोह इन ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा बढ़ा चढ़कर बना दिया। उससे पहले छोटे मोटे विद्रोह होते थे, 150 से 180 के लगभग विद्रोह 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो उनकी सेनाओं में ब्राह्मण कार्यरत थे उनके द्वारा किए गए। ये 150 से 180 के लगभग जो विद्रोह छोटे मोटे हुए ये संख्या 150 से 180 शायद कहने में ही बहुत कम लगे, परंतु यदि आप सोचें तो ऐसे जीवन मूल्य उस समय के लोगों में थे जो अपनी नौकरी को अपने आजीविका के साधन को इतना महत्व नहीं देते जितना अपने धार्मिक प्रिंसिपल्स को देते थे।
ये 150 से 180 विद्रोह जो हुए इनके कारण समझना बहुत आवश्यक है। ये एक भारतीय समाज का जो विलक्षण डीएनए है, जो आज आपको हिंसा करने के लिए एक एक आपके पैर के नीचे चींटी आ जाए तो आप सड़क पर देखकर चलते हैं, जब आप कहीं पूजा करने जाएं या पीपल पर जल चढ़ाने जाएं तो आप देखते हैं कोई कोई नीचे पैर के नीचे कोई आना जाए। ऐसे ही जीवन मूल्य आचार आदर्श आपको उस समय प्रेरित करते हैं जब आप आपके साथ कोई अन्याय हो रहा हो। ये अन्याय ब्रिटिशों द्वारा ब्रिटिशरों द्वारा भारतीय समाज को तरह तरह से तोड़ने के लिए किए गए, जिनका उस समय विरोध ब्राह्मण समाज अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार करता रहा। 1857 के बाद भी यह क्रांति रुकी नहीं। पुणे में एक चित्पावन ब्राह्मण हैं, वासुदेव बलवंत फड़के। 1857 की क्रांति 1860-62 चली, राजा कुंवर उसको बढ़ाते रहे, लेकिन जब ये बिल्कुल सम गया तो शस्त्र अधिनियम बनाकर भारतीय समाज से शस्त्रों को दूर करने के प्रयास किए गए, कोई शस्त्र नहीं रख सकता था। उस समय पुणे के चित्पावन ब्राह्मण वासुदेव बलवंत फड़के ने पहला सशस्त्र विद्रोह किया भारतीय इतिहास में, 1857 के बाद की क्रांति के बाद। उन्होंने पूरे पुणे शहर पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों को वहां से खदेड़ा अपने साथियों के साथ। बाद में एनी हाउ अंग्रेजों ने इनको दोबारा पकड़ा और फांसी की सजा दी। पुणे के लोगों में यह विश्वास है कि वीर सावरकर वासुदेव बलवंत फड़के का अवतार लेकर पुणे पैदा हुए, ऐसा वहां के लोगों में मान्यता है। बाकी आगे आकर हमें चंद्रशेखर आजाद जैसे ब्राह्मण भी मिलते हैं, मदन मोहन मालवीय जैसे ब्राह्मण मिलते हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से सदैव भारतीय समाज को एक विशिष्ट रूपरेखा देने का प्रयास किया। मैं शायद मैं समय ज्यादा ले चुका हूं और मैं चाहूंगा आशुतोष जी से अब मैं भी धन्यवाद यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद मुकेश जी, बहुत व्यापक दृष्टि से आपने जो ब्राह्मणत्व का सार है वो आपने हमारे साथ साझा किया है, और जो ब्राह्मणत्व के सामने चुनौतियां हैं जिनको जिनको हम सबको मिलकर के देखना है और समझना है और उनके प्रत्युत्तर भी देने हैं, वो बड़े अच्छे से आपने उनका विश्लेषण किया है और हमारे तक वो बात पहुंचाई है। और ये बात बिल्कुल नई हमारे लिए है कि अंग्रेजों के टाइम में ब्राह्मणों की रेजिमेंट्स भी थी जो बाद में डिसबैंड कर दी गई, और मेरा ख्याल है कि शायद वो फिर वहां से पंजाब रेजिमेंट या इस तरह की कुछ रेजिमेंट्स भी बनी, और शायद मुझे इतना ध्यान भी शायद आपसे पड़ता है बातचीत करते हुए कि पूर्वांचल के जो ब्राह्मण थे उनको इन्होंने जो है वो मार्शल रेस भी डिक्लेयर किया वहां के ब्राह्मणों को। तो जी, अब बहुत सारे इतिहास में ऐसे हम दबे हुए तथ्य पड़े हैं जिन्हें उभारना बहुत जरूरी है ताकि ये इतिहास स्वस्थ इतिहास हो, ना कि ये केवल मात्र जो है एक कुछ लोगों को के पर्पस सॉल्व करने के लिए उनका जो एजेंडा है उसको सॉल्व करने का ही साधन बना रहे। मैं एक चीज और यहाँ पर कहना चाहूंगा जो मेरे मुझसे स्किप हो गई, ब्राह्मणत्व के सिद्धांत को पे भी यदि बात की जाए तो मैं छोटे से कम शब्दों में बोलूं, समाज को जोड़ने के लिए भी ब्राह्मणों ने अपने कार्य किए। आज उनको बोला जाता है तोड़ने के लिए जैसे बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर आप व्यवस्थाओं का ठीक से आकलन लोग करें पुरानी पौराणिक व्यवस्थाओं का, उनमें देखिए कोई यदि विवाह होता था लोगों की आजीविका किस प्रकार ब्राह्मणों ने बांधी एक एक चक्र के तहत, कि पैसा समाज में सबके पास घूमे, सबके पास किसी ना किसी माध्यम से जाए। उसमें देखिए दोमन के द्वारा दिए गए जल से कन्या स्वागन रहेगी, इस तरह धोबी को जोड़ा जाता था, धोबी धोबी और धोबन आते थे। एक नाई के द्वारा रिश्ते भेजे जाते थे, एक नाई पहले हमारी व्यवस्थाओं में रिश्ते लेकर जाता था और दूसरे उस क्षेत्र जिस क्षेत्र की लड़की या लड़का होते थे उस क्षेत्र के नाई के साथ संपर्क करके काम आगे बढ़ाते थे। कुम्हार कुम्हार के द्वारा गए दिए गए मिट्टी के कलश पर ही देवताओं के पूजन होंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट
इस कॉन्सेप्ट से कुम्हारों को जोड़ा गया व्यवस्थाओं में। एक जाति होती है उसको कहा जाता मुसहर, ये आज के समय में महादलित वाली कैटेगरी में इनको राजनेताओं ने डाल दिया है। इनका काम होता है वृक्षों के पत्तों से पत्तल या दोने बनाने का। अब इनको भी ऐसा ऐसा कहते हुए जोड़ा गया कि इनके बनाए गए पत्तल दोनों से ही देवताओं के पूजन संपन्न होंगे, जैसा कि आप घर में कथा आदि करते हैं तो उसमें दोने रखे जाते हैं, तिलक चंदन आदि सब उसमें रखा जाता है, अक्षत वगैरह। कहार, कहार होते थे वो जल विवाह आदि कार्यों में जो जल भरने का काम उनका ही होता था और उनके देव उनके उन्हीं के भरे हुए जल से देवताओं के पूजन होते थे। विश्वकर्मा समाज जो लकड़ी के कार्य करते थे, यह कहते हुए जोड़ा गया उनको कि इनके द्वारा बनाए गए आसन, चौकी, पीढ़ी पर बैठकर पीड़ा पर बैठकर ही पैड़ी पैड़ी पर बैठकर ही वर वधू देवताओं का पूजन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। अब वही हिंदू जो कुछ ही कारणों से मुसलमान भी बन गए, उन्हें भी है जो कुछ आगे आकर ब्राह्मणों ने यह कहकर जोड़ा कि इनके जो जुलाहा समाज हो गया इनका, कि इन्हीं के सिले हुए वस्त्रों के द्वारा कार्य संपन्न होंगे। समाज को जोड़ा हमेशा, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण समाज हमेशा कट्टर रहा एक कोई वर्ण या विशेष जाति के या किसी विशेष धर्म संप्रदाय के प्रति। समाज को जोड़ना किस तरीके से है, लोगों का जीवन किस प्रकार सरल करना है, यह हमारा सबसे ध्येय रहा। मुसलमानों की स्त्रियों को यह कहते हुए जोड़ा, उनकी वो चूड़ी बनाने में बहुत थे तो सब हिंदू ही जो व्यवसाय करते थे, लेकिन इनको बहुत तरीके से मुसलमानों ने तोड़ा तो चूड़ी बनाने वाला पूरा का पूरा वर्ग मुसलमान बन गया। लेकिन उसको भी बाद में जोड़ा गया हमारे ब्राह्मणों द्वारा ही कि इनकी चूड़ियों से ही बहु सौभाग्यशाली रहेगी, सौभाग्यवती बनेगी। धारिकार एक और एक धारिकार एक और प्रजाति होती है जो डाल और मोर जो दूल्हे के सिर पर रखकर द्वारचार कराया जाता है। बंगाली व्यवस्थाओं में या इधर महाराष्ट्र व्यवस्थाओं में आप आज भी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, हमारे पंजाब साइड में थोड़ा सिस्टम बदल गया, सहरा वगैरह आ गया, लेकिन ऊपर अलग से रखा जाता था दूल्हे के सिर पर। उसको भी जोड़ा गया कि इनके बनाए गए अपहारों के बिना देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसी तरीके से समाज को जोड़ने में ये सबसे, अब मैंने बताया नाई का, ऐसे ही नाइयों की स्त्रियां भी उन कार्यों में बढ़ चढ़ के काम करती थी। जो मंगल गान गाए जाते थे उनमें नाइयों की स्त्रियां आगे आकर काम आगे गायन आरंभ करती थी। ये तो हमारे यहाँ की अब विडंबना है कि हम सब इन चीजों से अनभिज्ञ रहे, अवगत नहीं है और अपने आदर्शों के प्रति हम हीन भावना से ग्रस्त हो चुके हैं। जी ये कहते हुए मैं विनय करता हूँ, बहुत हद तक सही है आपकी कि व्यवस्था में सभी लोग जुड़े हुए थे, लेकिन ये बात सही है कि ये भी बात सही है कि जो कुछ एक दोषारोपण है, जो हमारे दोष हैं, उनको हम स्वीकार नहीं कर सकते, उनका शोधन करना बहुत आवश्यक है और किया भी, ब्राह्मणों ने किया भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वस्तुतः मुसलमानों के साथ जो लड़ाई थी वो तो ब्राह्मण की ही लड़ाई थी जी। जितने ब्राह्मणों का बलिदान हुआ है उसको, हालांकि इतिहासकार कहने में उनको शर्म आती होगी तो इसीलिए उन्होंने कभी उसको गिनाया नहीं, सिकंदर लोधी जैसे जो 500 ब्राह्मणों को मार देते थे और फिर उनके जनेऊ उतरवाते थे और इसी तरह के और बहुत मुसलमान राजा में है, औरंगजेब है, शवामन जनेऊ के काफी वो मिलते हैं प्रमाण। और फिर उसके बाद क्योंकि बाकी जगह पर उस तरह की समस्या नहीं रही, मसला अंग्रेजों के साथ भी ब्राह्मण का ही रहा। वो भी लड़ाई जो है अगर हम देखें तो वही लड़ाई जो है वो अंग्रेज और ब्राह्मण की रही है, क्योंकि जो बौद्धिकता है उसको अगर वो नहीं दबा सके या कुचल सके तो समस्या उनके लिए खड़ी थी। और आप देखिए तो सारे के सारे स्वतंत्रता संग्राम में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है और वो वंदे मातरम से लेकर के स्वराज्य तक की जो कल्पना है वो सारी की सारी ब्राह्मण ही तो दे रहा है। सन्यासी भी तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे वहां, तो हम ये कहेंगे नहीं 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 ये तो बस हिंदुस्तानियों ने कर ली। एक और बड़ा आंदोलन हम स्किप कर गए, मैं अभी रख नहीं पाया, मुझे आपकी बातों से ही
स्मरण हुआ, सन्यासी आंदोलन जो हुआ जिसको अंग्रेज कभी दबा नहीं पाए, सबसे बड़ा मैं कहूँ ये यदि सफल आंदोलन हुआ तो वह सन्यासी आंदोलन था, जिसमें सबसे ज्यादा सन्यासी जो ब्राह्मण समाज से थे उनका विशेष योगदान था। वो चिमटा बजाने वाले साधु समझे जाते थे, परंतु उन्होंने छेड़ा हाँ, साथ ही साथ आंदोलन। मैं ये बात भी जरूर ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि शूद्रों के उद्धार में, दलितों के उद्धार में ब्राह्मणों ने जितना रोल जी प्ले किया है उद्धार में, उतना बाकियों ने किया कि नहीं किया मालूम नहीं, लेकिन ब्राह्मणों ने अवश्य किया है, और हम ब्राह्मण जरूर उसे उसे सामने लाना चाहिए और प्रतिकार रूप में इनको हमें प्रस्तुत करना चाहिए, इसे हमें ऐतिहासिक जी तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए जिसे हम संकोच करते हैं। तो कुल जी मिलाकर के आज की ये चर्चा हमारे लिए बहुत लाभकारी रही है और एक प्रारूप हमारे सामने नीरज जी के द्वारा और मुकेश जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे काफी विचार जो हैं वो स्पष्ट भी हुए हैं, एक प्रारूप स्पष्ट हुआ है। तो यदि हमारे जो अभी शेष जुड़े हुए प्रतिभागी हैं, क्योंकि सामान्य रूप से तो वो सभी लोग चले गए जिनको केवल सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी वो चले गए, तो जिनके जी अभी प्रश्न शेष हैं या कोई जी आपत्ति भी है तो वो भी स्वीकार्य है, क्योंकि ब्राह्मण जो है जी वो अपने पे आक्षेपों को भी वैसे ही स्वीकार करता है जैसे उसकी प्रशंसा में कोई बात कह दे। तो यदि किसी की कोई टिप्पणी है, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप स्वतंत्र हैं कहने के लिए, पूछने के लिए। नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश जी हैं, दोनों लोग उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। जी किसी की कोई टिप्पणी हो, कोई बात अपनी रखना चाहता हो तो स्वागत है, हार्दिक स्वागत है उसका। जी कोई प्रश्न लिखित में हो, कोई मौखिक हो, बोल सकते हैं। मुझे मनमोहन शर्मा जी का प्रश्न है, वो जी बात नहीं, करना चाहते हैं, प्रश्न नहीं, मैं कुछ ऐड टिप्पणी। करना चाह रहा था कि जी हमने भारतीय संस्कृति को भारत में नहीं, भारत के बाहर भेजने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, जी और चौथी पांचवी शताब्दी में हम देखते हैं कि देवनिक एक राजा ने कुरुक्षेत्र नगर बसाता है लाओस में, उसका नाम ही कुरुक्षेत्र था, और उसके जो गुरु हैं वो भी एक भारतीय ब्राह्मण है, शिव गुरु उनका नाम है। जी ये वत्सगु अभिलेख पर जो है जी रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें 64 लाइनें हैं। इसी प्रकार 11वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन के समय कंबोडिया में एक ब्राह्मण, उसका नाम सुकर्मण है, जी वो किसी जी मठ का रिकॉर्ड कीपर राज्य के दरबार में बनता है, और उसको राजा के द्वारा बहुत बड़ी भूमि दी जाती है, उसमें वो कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर बसाता है। इस प्रकार दो एविडेंस हमें मिलते हैं कि भारतीय ब्राह्मणों ने भारत से बाहर जाकर के, और खास करके कुरुक्षेत्र की भी मैं बात करूं, दो नगर कुरुक्षेत्र नाम के अलग अलग काल में बसाए हुए हैं। इसी प्रकार हम रिकॉर्ड देखें तो गुप्त पीरियड से लेकर के और इस्लामिक के स्टेज आने तक, इस पूरे कार्यकाल में अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम तक, जो उच्च वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, उसकी भाषा जो है वो संस्कृत है, ऐसा जानकारी हमें मिलती है। तो ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, सुंदर। बहुत सुंदर जानकारी है, और मैं चाहूंगा कि अगर इसके डॉक्यूमेंट अगर आप हमारे साथ हाँ साझा कर डॉक्यूमेंट सकें। है, इसके डॉक्यूमेंट हैं, मैंने इस पर दो पेपर जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पढ़े हैं, मैं कंबोडिया भी गया हूँ और जी तो थाईलैंड भी गया हूँ 2 बार। मैं चाहूंगा आपसे, बल्कि निवेदन करूंगा कि आप इसको जो है हमारे साथ व्हाट्सएप पे या ईमेल पे जो है जरूर शेयर करें, जी जी जरूर, ताकि इसकी जानकारी जो है वो हम अधिक दे सकें, अधिक लोगों तक अवश्य, ठीक पहुंचा कर सकें। तो है। इसी के साथ मैं नीरज जी के कुछ कमेंट्स जरूर चाहूंगा कि एक वो अगर संक्षेप में हमारे साथ कुछ विषय अंग्रेजों के विषय में भी बात कर सकें, और या इसको थोड़ा सा विषय को और स्पष्ट कर सकें कि वर्तमान काल में किस तरह से ये ब्राह्मणों के प्रति द्वेष भाव को फैलाया गया है, एक उचित टिप्पणी और एक संक्षिप्त सी समझ जो है वो हमारे साथ जरूर साझा करें, फिर हम जो है धन्यवाद ज्ञापन करेंगे।
जी नीरज जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। डॉक्टर, मेरे पास अभी ऐसे मैंने कोई तथ्य निकाल के नहीं रखे हुए तो जो मैं शेयर कर पाऊँ आपके साथ। जी लेकिन फिर भी एक आध जो टिप्पणी आपकी आपकी ऑब्जर्वेशंस रही हैं कि किस तरह से ये सारी व्यवस्था, मतलब एंटी ब्राह्मणिज्म को कैसे खड़ा किया गया। इस समय पता है क्या है डॉक्टर, एक तो जो पिछले 15 साल से जो एनसीईआरटी वाली किताबें चल रही हैं जी वो सारी की सारी एंटी ब्राह्मण है, बहुत ज्यादा एंटी ब्राह्मण है। और सेकंड सर, संधि जी प्लीज स्क्रीन शेयर मत कीजिए, रिकॉर्डिंग में फिर प्रॉब्लम आती है। हाँ जी सर प्लीज, एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा बता करके फिर हम अपनी बात को पूरा करेंगे। जी एनसीईआरटी में क्या किया है इन्होंने कि ब्राह्मणों को चालाक दिखाने के लिए पहला काम क्या किया इन्होंने, उसमें एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म के आधार पे होती थी। और उसमें उन्होंने वो शायद पिछले एक किसी वेबिनार में मैंने शेयर भी किया था कि जी संभवतः जन्म के आधार पर होती थी ऐसा करके। और दूसरा कि ब्राह्मण जो थे वो बड़े समृद्ध, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बताया कि बहुत समृद्ध होते थे। तो एक फैक्टर तो है कि एनसीईआरटी किताबों के थ्रू बच्चों में बचपन से ही ये जहर डाला जाता है। जैसे कल मैं अपनी भतीजी से ही बात कर रहा था, वो भी 10वीं क्लास में है, तो मैंने उसे, क्योंकि मैं यहाँ आज आपसे चर्चा करनी थी, तो मैंने उससे समझने की कोशिश की कि इसका कितना प्रभाव होता है। तो मैंने कहा अच्छा ब्राह्मणों के बारे में बताओ तुम्हारा क्या विचार है। तो पहले तो वो संकोच कर रही थी क्योंकि हम ही ब्राह्मण हैं कहने को, तो बोली कि ठीक होते हैं, नॉन कमिटल सी थी। फिर मैंने थोड़ा उसको थोड़ा थोड़ा और मैंने कहा चाहिए बता कास्ट सिस्टम कैसा है, वो तो खराब है। तो मैंने कहा क्यों खराब है, कहती कि डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन थी, मतलब मैंने मेनली तो उससे यही कहा। मैंने अब मुझे याद था जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो चंडीगढ़ पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली, तो मैं चाहता था कि मैं अब पुलिस में चला जाऊं क्योंकि अभी तो कॉलेज में ही पढ़ रहा हूँ। तो फिर मुझे बताया हमारे जो पुलिस में जानकार थे कि कम से कम 5 फुट 9 इंच कद होगा तब तो वो लेंगे तुझे, नहीं तो निकाल देंगे। तो अच्छा मैंने उसे कहा, मैंने कहा एक बात बता, तुझे पुलिस में अगर रिक्रूटमेंट करनी हो, अच्छा 10 लोग हैं जो 6 फुट वाले हैं, 10 लोग हैं जो 5 फुट वाले हैं, तो किन्हें रखेगी। तो पहले थोड़ा सोचती थी, फिर बोली जो 6 फुट वाले हैं उनको रखूंगी। मैंने, ये तो डिस्क्रिमिनेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। तो कहती लेकिन जो प्रोफेशन है उसके लिए तो सूट करता है। तो मैंने कहा एग्जैक्टली यही तो, जिसे आज कास्ट सिस्टम बोलते हैं वो एग्जैक्टली वही था कि जो जिसके कर्म को स्वभाव को सूट करता है उसमें जाएगा। तो जी ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम समझ नहीं सकते कि हमारे घर के जो बच्चे हैं उनके मन में किस तरह के टाइम बॉम्ब ऑलरेडी प्लांटेड है। हम जी इसको बहुत अंडर रेट करते हैं, बहुत अंडर रेट किया हुआ है। और कई तो पूरी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जैसे ये जो क्या नाम है उसका, जेएनयू अशोक हैदराबाद। अशोका यूनिवर्सिटी डॉक्टर साहब, वो तो यूनिवर्सिटीज की बनाई ही अच्छा इसलिए गई हैं, वो यूनिवर्सिटीज बनाई इसलिए गई हैं कि समाज को तोड़ा जा सके। यही दुर्भाग्य है सर, एजुकेशन सिस्टम का समाज, ये बहुत बड़ा अशोका जी, समाज दुर्भाग्य है। समाज के साथ अपना जो ब्राह्मण वर्ग है, मैं बाकी वर्गों की यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा लेकिन मैं सिर्फ विशेषता ब्राह्मण वर्ग की ही बात करूंगा, उनके बच्चे ही स्वयं हीन भावना से ग्रस्त कर दिए गए हैं। जी वह वो अपने 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 सिद्धांतों के प्रति ही बायस्ड हो चुके हैं जो सिद्धांत उच्च माने गए हैं। बिल्कुल। तो सारे का मैं सारा तो ढंग ही है ना कि जी मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, आज हमारा समाज ऐसा हो गया कि हम अपनी तर्क बुद्धि, अपना एनालिसिस नहीं लगाते क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। और जब ऐसे बच्चे होंगे तो उनको सिर्फ दो चार लाइनों से ही वो अपना सारे का सारा जो परसेप्शन है, वो जो जीवन मूल्य है, वो वहां से बना लेते हैं कि क्योंकि कास्टिज्म, इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, बस उससे आगे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। सोचा ही चलो नहीं जैसे वो भतीजी को मैंने थोड़ा सोचने पे फोर्स किया तो उसे समझ में आना शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि हर घर में माताओं को, स्पेशली जो माँ है, उसका इंटेलिजेंट होना और बच्चों तक ये बात पहुंचा सकना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम जिस टाइम बॉम्ब पे खड़े हैं ये और 5-10 साल में ऐसा फूटेगा कि फिर वो कंट्रोल नहीं आएगा।
जी, ये वस्तुतः बड़ी गंभीर स्थिति है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हम नहीं सारा कुछ चला सकते। हमें जो अपने अस्मिता के प्रश्न है उनको गंभीरता से टटोलना होगा, देखना होगा और उन पे विचार करना होगा, अन्यथा तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। एक संदर्भ मेरे संज्ञान में उभर रहा है, मैं शेयर करना चाहूंगा। जी एक मतलब हथेली दिख रही है, हथेली की चौड़ाई जितना ही जी इसकी एक पुस्तक है। हमारे यहाँ तो सबको संस्कृत में जो लिख दिया जाए उसको ग्रंथ कह दिया जाता है। एक पुस्तक है, उसका नाम है कर्म शिल्प संग्रह, जिसमें चमड़े से बनने वाली वस्तुओं के हाउ टू डिजाइन वाली जो प्रोसेस है, पर्स कैसे बनाने हैं, कवच कैसे बनाने हैं, तुनीन रखने का वो किस प्रकार बनाना है, तलवार खंजर रखने के वो, पानी भरने के वो कैसे बनाने हैं, घर की से वो चमड़े से बनी हुई वस्तुएं किस प्रकार बनानी है, उनका काटना सिलना बुनाई वगैरह सब विस्तार से उसका वर्णन है, सब संस्कृत में है। आज समाज को ये बताया जाता है कि मतलब निम्न वर्ग को, जिसको दलित बोल दिया, या हमारे समाज में कभी इनको निम्न नहीं माना गया, लेकिन जी पॉलिटिकल डिफाइंड कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम ने इनको निम्न बता दिया, और यह है समाज में प्रचारित कर दिया गया कि इनको शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। तो यदि शिक्षा ही नहीं दी जाती थी तो जो चमड़े का काम करने वाला वर्ग था, जो व्यवसायी थे जो उस समय के, या जो जो काम करने वाले थे, कटाई बुनाई करने वाले, वह किस प्रकार वो पढ़ते थे और किस प्रकार उसको करते थे। तो इससे यही सिद्ध होता है कि संस्कृत का ज्ञान तो सबको दिया ही जाता था। जैसे आज 10वीं 12वीं तक सारी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन मिलती है, उसके बाद एजुकेशन किस तरीके से वो व्यक्ति अपने आप डिसाइड करता था आगे। जी, बिल्कुल ठीक बात है। रोहताश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो फिर हम उसके बाद समाप्त करेंगे। जी सर, जी मैं नीरज अर्जित को प्रणाम करते हुए उनके व्याख्यान का मुझे इतना लाभ हुआ, बहुत ज्यादा लाभ। एक बात, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता था सर कि सारी की कक्षा में एनसीईआरटी की बुक में एक पाठ है इस्लाम का उदय भारत में उसका आगमन, और उसमें कहा गया है कि भारतीयों ने चरखे से सूत काटना अरबियों से सीखा, और खान पान में का समोसा अरबियों से भारतीयों से सीखा। मैं नीरज जी से ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारा समाज इतना मजबूत था, अरबियों ने हमारे से सीखा, नन्ना सीखा, गणित सीखा, संगीत सीखा, ज्योतिष सीखा, शतरंज सीखा, चिकित्सा शास्त्र सीखा, ठीक है, तो क्या हमारे समाज में चरखे में सूत कातना नहीं आता? क्या ये नहीं है इस किताब में जो ऐसे बताया जा रहा है? नीरज जी के बारे में बताएं सर प्लीज। ठीक है जी। जो मुझे समझ में आया, आप ये पूछ रहे हैं कि बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि चरखे से सूत काटना हमें विदेशी आक्रांताओं ने सिखाया। हाँ जी तो हाँ जी, ये मैंने इस पे स्पेसिफिकली तो चेक नहीं किया, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है कि उन्होंने सिखाया होगा। उसके कारण मैं बता देता हूँ। जैसे कई जगह पर, एक जगह पर इन्होंने बोला कि जो वो जल चक्की है, जो रहट जिसको बोलते हैं, वो भी कहीं विदेश से आया था। लेकिन मैंने जब उसको चेक करना शुरू किया तो हमारे देश में सबसे पहले ये जल चक्र, ये इस तरह के जितने उपकरण थे वो पहले ही आ चुके थे। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अरब आ रहे हैं, आपको एक बड़ी सिंपल सी बात से सब समझ आ जाएगा। कोई भी चीज़ आपको मैन्युफैक्चर करनी है, कोई आर्किटेक्चर है, कोई मशीन बनानी है, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपको कितना काटना है, कितना जोड़ना है, किस एंगल पे करना है। इसके लिए मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स तो ज़रूर चाहिए। तो आप ये समझिए कि आज जो कुरान की बात करते हैं, कुरान लिखी जाती है अरबी भाषा में, जिसे राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, लेकिन उसकी जो सुरा है, जो उसकी आयत है, उनकी जो गिनती लिखी जाती है, वो लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, जो आपको क्लियरली बता देता है कि उन्होंने गिनती हमसे सीखी हुई है। तो जब इतनी बेसिक चीज़, गिनती वो हमारी चोरी करके लेके गए हैं, तो आप कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे राक्षस लोग कोई ऐसी चीज़ बना के हमें दे सकते हैं। अल ख्वारिज्मी, अल ख्वारिज्मी उसका नाम था, जो यहाँ से हिंदू नंबर सिस्टम वहां पर लेकर गए थे, अल ख्वारिज्मी। और इसमें अंग्रेजों के अपनी किताबें हैं, मेरे पास रेफरेंसेस पड़ी हैं वो, जिसमें वो बता रहे हैं
कि जिन्हें आज तक हम अरबिक न्यूमरल्स समझते थे वो वास्तव में इंडियन न्यूमरल्स हैं, के अरबों अरबों ने हिंदुस्तानियों से चोरी किए थे और फिर ये वाले जो न्यूमरल्स हैं वो यूरोप में पहुंचे थे। और इसका एक इतिहास को लेकर तो बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं बस जी। किसी ने एक शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वो, कि एक प्रोफेसर है जो 30 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है और सामने एक 10 साल की बच्ची है। दोनों को मैथ्स का एक एक सिंपल क्वेश्चन दिया गया मल्टीप्लाई करने का, तीन तीन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन था। कंडीशन ये थी कि जो बच्ची है वो जो आज हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उससे वो गणना करेगी, और जो 30 साल के एक्सपीरियंस वाला मैथ्स का प्रोफेसर है वो रोमन न्यूमरल सिस्टम में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, तो जो कैलकुलेशन उस बच्ची ने 15 सेकेंड में की उस प्रोफेसर को करने में 1.5 मिनट लगा उसे। ये मैं बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड चीजें तो आप छोड़ दीजिए। इससे आपको एक अंदाजा हो जाता है कि हमारा अकेला मैथ्स ही इतना इतना ज्यादा गुणवत्ता वाला था कि उसी से सारा कुछ निकलना है। तो ये बाहर से किसी ने इन्वेंट किया, ये सब कपोल कल्पित है। आज उन्होंने जो किया हमें उसका सम्मान करना चाहिए कि आज जो उन्होंने प्रोग्रेस की है वो उनका अपना हार्डवर्क है। आज हम उनसे पिछड़े हुए हैं, लेकिन जो पुरानी चीजें उसमें हम जानते हैं कि उन्होंने वो चीटिंग की है हमारे साथ। जी चलिए, रोमन रोमन नंबर सिस्टम में जो पहले यूज किया जाता था, आप उसमें देखें 10 को लिखा जाता है एक्स, है ना, और 100 को लिखा जाता है, 100 को लिखा जाता है सी, 1000 को लिखा जाता है एम। अब अगर आप इसमें लिखें कि 2172 अगर लिखना हो तो उसमें एम लिखा जाएगा, फिर डबल एम लिखा जाएगा, 2000 हो गए, फिर एक सी लिखा जाएगा, 2100 हो गया, फिर एक वी लिख एक 5 के लिए जो लिखना L, पड़ेगा 50 L. के लिए एल, और उसके बाद दो आएंगे एक्स, और एक दो आएंगे आई, 2172 हो गया। इसको अगर आपको 2172 को 2172 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो आप नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पर भी यही नंबर सिस्टम बाद में अडॉप्ट किया गया, ये संभव नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप लोगों का जितनी आप लोगों ने आज सूचनाएं दी हैं, जितना कुछ आप साझा किया है और विचार और दृष्टि आप लोगों ने जो साझी की है हम सब लोगों के साथ, उसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत हमारा ज्ञानवर्धन हुआ है, विषय की स्पष्टता हुई है, और नए भारत में ऐसे विषयों को लिया जाना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक इनको स्थापित किया जाना चाहिए कि ये जो गलत प्रचार किए जाते हैं, पाखंड किए जाते हैं आधुनिकता के नाम पर और बाकी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास किए जाते हैं, ताकि इनको हम चुनौती दे सकें और भारत की एक सही दिशा जो है भविष्य की वो निर्धारित हो सके। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं श्री नीरज अत्री जी का और मुकेश शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ आप सब की ओर से कि इन्होंने हमें जो कुछ आज अपना ज्ञान साझा किया है, दिशा निर्देश दिए हैं, अपनी मेहनत है इनकी, लेकिन उस मेहनत को बहुत सहज भाव से इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, साझा किया है, उसके लिए हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से हम दोबारा फिर मिलेंगे अगस्त के महीने में अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में, और बहुत सारे अभी विषय हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी जरूरी है। और एक विषय जो मैं विशेष रूप से लेना चाहता हूं, यदि उसके लिए आप लोग मेरी कोई सहायता कर सकें, कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड धर्मशास्त्र या इंडियन कल्चर जो है उस पर मुझे कोई वक्ता चाहिए, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन से सहमत नहीं हो पाता हूँ। मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा सरल होना चाहिए था, भारत को परिभाषित करता और उसमें पुरुषार्थ जो है उसके अधिकार देता तो सारी बात समाप्त हो जाती, लेकिन ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करके और अंग्रेजी बोल बोल के ऐसा कर दिया है कि सारा हिंदुस्तान ही जो है उसकी दुर्दशा देख रहा है। फुटबॉल की तरह पॉलिटिकल पार्टीज उस कॉन्स्टिट्यूशन को उपयोग करती हैं। तो यदि कोई विद्वान आप इस विषय पे मुझे बता सकें तो मैं उसको जरूर आमंत्रित करना चाहूंगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी के प्रति आभार, और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हैं, बाकी सभी लोग जो है वो मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर।